गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जीती एनर्जी जो आपको मेरे अंदर नजर आ रही है वो इसलिए है कि घर का माहौल कुछ पहले जैसा होता हुआ नजर आया है स्कूल खुलने की वजह से. आज मेरी बेटी बड़े दिनों बाद स्कूल गई तो मुझे ऐसा लगा है कि घर में जो गहमा गहमी पहले हुआ करती थी, स्कूल की तैयारी की, यूनिफॉर्म, ये वो दोबारा से नजर आई. वो नाश्ता करना, वरना क्या होता था, बच्चे वो नाइट सूट में ही बैठ जाते थे, थोड़े बहुत बाल सही वही करके कंप्यूटर के आगे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते थे, नाश्ते भी आराम से चल रहे होते थे. तो आज मेरे अंदर वो एनर्जी है जो पहले हुआ करती थी कोरोना से पहले. मगर साथ साथ मैं ये भी नोट कर रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी बिजी हो गई है ना, कि हबड़ दबड़ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपको समझ नहीं आता कि दिन कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया. अच्छा ओहो ये तो ये रात हो गई, इतने छोटे दिन हो गए, शायद सर्दियां भी हैं इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इतनी रात हो जाती है जल्दी, इतनी जल्दी सुबह हो जाती है और फिर कहते हैं ओ फिर वही दिन शुरू, फिर वही काम शुरू. तो बहुत तेज़ टाइम गुजर रहा है, लेकिन इस बढ़ते हुए तेज़ टाइम में बहुत सारा वक्त ऐसा मिलता है, मैं वैसे कम वक्त मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वक्त कम हम सोचते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं. और उस अगर आप 40 के हैं, अगर आप 25 के हैं, अगर आप 30 के हैं, आप फ्लैशबैक में जाके अपने बचपन को सोचते हैं और जिस वक्त हम छोटे हुआ करते थे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, हम सारी दोस्तें मिलकर खेला करते थे, हम नानी के घर रहने जाया करते थे, हम छुट्टियां गुजारने फुप्पो या खाला के यहाँ जाया करते थे, आराम से बसेस में ट्रैवल किया करते थे, कोई टेंशन कोई डर और खौफ नहीं होता था. लेकिन अब हम अपने बच्चों के लिए सोच नहीं सकते, हम अपने बच्चों के लिए ये नहीं सोच सकते कि बगैर मोबाइल के उन्हें कहीं भेजे. अगर बच्चा कहीं चला भी जाता है तो हम उसे घड़ी घड़ी फ़ोन करके पूछते हैं तो अब तुम कहाँ हो, कब तक आ रहे हो. वो जो टेंशन, वो टेंशन फ्री बचपन हमारा हमारा था, वो हमारे बच्चों का अब नहीं रहा. किसी के घर रहने देने जाना ये एक बड़ा टेंशन हो गया कि नहीं 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 रहने नहीं जाओ, बस हो के आ जाओ. मुझे अच्छे से याद है कि वो जो ईदी हमें मिला करती थी उसके 10-10 के नोट की खुशबू हम सूंघा करते थे, इतनी हमें अट्रैक्टिव लगती थी, वो नोट हम संभाल के रखा करते थे और बार बार अपनी ईदी को गिना करते थे. कितने प्यारे दिन थे वो, कितने मज़े के दिन थे, कितने टेंशन फ्री मोबाइल फ्री दिन थे वो, सोशल मीडिया फ्री दिन थे वो. अब महंगाई, खैर महंगाई उस वक्त भी थी, हर ज़माने में ही होती, लेकिन अब आपकी लग्जरीज नेसेसिटी बन गई हैं. उस वक्त आप सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करते थे, इस वक्त आप अपनी लग्जरीज को भी पूरा करते हैं. चार्जर, मोबाइल, अपना हैंड फ्री, लैपटॉप, आईपैड, मतलब लाइक छोटे से छोटे बच्चे को भी हाथ में एक लैपटॉप या कोई भी मोबाइल ज़रूरी चाहिए, वरना वो खाना नहीं खाता. पहले ज़माने में खाना खिलाने के लिए आपको अपने बच्चों के सामने अजीब अजीब सी शक्लें बनानी पड़ती थी, मस्तियाँ करनी पड़ती थी, हंसाना पड़ता था. और अब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एक मोबाइल फ़ोन हाथ में देना पड़ता है बच्चों के, उसको देखते देखते वो खाना खा लेते हैं. आप उनको कुछ भी खिला दें वो खा लेते हैं, क्योंकि उनके उनका ध्यान खाने की तरफ नहीं, अपने उस कार्टून, अपने उस मोबाइल, अपने उस गेम की तरफ होता है जो आपने उसके हाथ में दिया होता है. तो कुछ चीज़ें मोबाइल ने आसान कर दी हैं, कुछ चीज़ें मोबाइल ने बहुत मुश्किल कर दी हैं. बच्चे टाइम पर नींद नहीं लेते, सोते नहीं हैं, बहुत सारी कनेक्शंस जो माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी एक सर्टन एज में बने, वो उनकी कनेक्शंस बन जाती हैं उस मोबाइल के थ्रू. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है अपनी औलाद पर, मगर औलाद शायद अपने माँ बाप पर उतनी नज़र नहीं रख रही जितने पुराने ज़माने के बच्चे रखा करते थे. वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने अपने माँ बाप को बिल्कुल छोड़ दिया है. लेकिन फिर भी अगर मैं कंपैरिजन करूँ वेस्ट का और हमारे मुल्क का, हमारे इस खित्ते का, साउथ ईस्ट एशिया का, तो मुझे ये नज़र आएगा कि फिर भी हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं और हम अपने पेरेंट्स का फिर भी ख्याल रखते हैं कंपैरेटिवली बाकी दुनिया के पेरेंट्स का. एक 76 साल जो बुज़ुर्ग हैं वो स्पेन में बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं. सो
मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए जो खुदार आदमी होता है वो फिर वो भीख मांग के नहीं ज़िंदा रहता, वो कोई ना कोई हल निकालता है अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। और साथ में ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ये 76 साल जो बुज़ुर्ग हैं, अगर देखा जाए तो हमारे घरों में इन बुज़ुर्गों की बहुत अहमियत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, उनको एक अलग से कमरा दिया हुआ होता है, सारे घर के जो बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं वो आके उनको पहले सलाम करते हैं घर पे निकलने से पहले, और फिर वापस आकर भी उनसे ही मिलते हैं, पहले उनका हाल अहवाल मालूम करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाएँ, आमतौर पर यही देखा गया है, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको लिए लिए अस्पतालों में भागते हैं, उनकी दवा दारू हर चीज़ उनके लिए, नर्सेस का इंतज़ाम, सब चीज़ें उनके बच्चे औलाद कर रहे होते। तो फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे मुल्क में ये जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ये बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है, और जो जिस तरह ये बुज़ुर्ग ज़ाहिर है हमारे वालिदैन हैं और इन्होंने अपनी जवानियाँ हम पर वार दी, इन्होंने मेहनत मशक्क़त की हमें अच्छा पढ़ाने लिखाने के सिलसिले में, इन्होंने वो ऐश वो इशरत जो शायद एक अनमैरिड बंदा करता होगा वो नहीं की, क्योंकि हाँ जो बच्चे हैं उनकी फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मर्द एक से ज़्यादा बढ़ बढ़ कर काम कर रहे होते हैं, एक नौकरी के अलावा वो और भी नौकरियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पहनाना है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा खिलाना है, और उनकी नीड्स उनकी नेसेसिटी उनकी लग्जरी इसको पूरा करने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है और एक मशीन की तरह काम करते हैं। हम हमेशा मैंने हमेशा देखा है मीडिया हमेशा माँ 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 बहुत कर रहा होता है। हाँ माँ का है रुतबा और माँ भी बहुत कुछ करती है औलाद के लिए, लेकिन शायद जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती वो है बाप। बाप जिस तरह अपनी औलाद के लिए कमाने निकलता है, क्योंकि वो घर पे नहीं होता तो वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाता जितना कि माँ माँ जो है वो दे पाती हैं, लेकिन बच्चे शायद ये रियलाइज़ बहुत बाद में करते हैं जाके कि ये जो बाप हमें टाइम नहीं दे पाते थे तो ये इनकी अपनी अय्याशी नहीं थी, ये इनकी मेहनत थी हमारे लिए, ये एक नहीं दो दो अलग अलग नौकरियां करके हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए हमसे दूर थे, मुल्क से बाहर थे या शहर से बाहर थे। आइए आज कुछ ख़ास सेलिब्रिटीज़ के फादर्स के साथ आज की सुबह हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये आप सबको आप सबका ध्यान उस तरफ ले जाते हैं कि माँ की तो अहमियत है ही हमारी ज़िंदगी में, लेकिन अगर हमारे बाप हमारे लिए वो कुछ ना करते जो उन्होंने किया तो शायद हम क्या उस मकाम पर खड़े होते जहाँ आज हम हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, जैसे कि आज प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने आपसे ज़िक्र किया एक ऐसे रिलेशन का जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आते हैं, और उस रिलेशन का नाम है बाप, फादर, अब्बा, बाबा, मुख्तलिफ नाम, डाडा, डाडा भी कहता है, डैडा, बहुत सारे मुख्तलिफ नाम इस रिलेशन को दिए जाते हैं, और ये वो रिलेशन है जो माँ माँ के बाद सबसे पहले जिसकी गोद में बच्चा जाता है वो हैं हमारे बाप, जिनकी वजह से जिनकी मेहनत की वजह से हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ हम आज पहुँचे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को वैल्यू करते हैं, इस बात को याद रखते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बड़े शिकवे भी होते हैं अपने ख़ासतौर पे वालिद से, आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने हमें हमारे लिए कोई जायदादें नहीं बनाई, बहुत सारे बच्चे आज भी शिकायत भी कर रहे होते हैं अब्बा से, लड़ाई भी कर रहे होते हैं, झगड़े भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है, उनके अंदर से उन्हें ये पता है बात कि अगर उनके बाप उनके लिए इतनी मेहनत ना करता तो शायद वो आज उस मुकाम पर ना होते जिनको जिस वक्त जहाँ पर वो हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूँगी उस हस्ती को जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी। मैंने अपनी माँ बाप से बड़े मज़े मज़े की चीज़ें ली हैं आपस कंबाइन होके, शक्ल मेरी डिट्टो कहते हैं लोग कहते थे कि मेरे अब्बा पे गई है, शायद थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से भी ली होंगी, मतलब कि मेरा ज़्यादा मोटा ना होना ज़रा दुबला रहना ये मैंने अपनी अम्मी की साइड से लिया है। मेरे जो ददियाल है उसमें हर कोई माशाल्लाह बड़ा खाते पीते घर का नज़र आता है, तो ये वाली चीज़ मैंने अपनी अम्मी से ली, लेकिन मेरा जो गोल मुँह है वो बिल्कुल मेरे अब्बा जैसा है।
बहुत सारी आदत भी मेरी अपने अब्बू जैसी हैं, और जब मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी तो फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। मेरे अलावा और भी कोई है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बुलाने वाली हूँ, जो अपने वालिद के साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने वालिद के लिए कहना चाहूँगी कि मेरे वालिद एक हार्ड वर्किंग इंसान हमेशा से मुझे दिखे हैं। जब से मैंने होश संभाला है उन्हें मेहनत करते हुए देखा है। मैं अपनी अम्मी का बड़ा जिक्र करती रहती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अल्लाह ताला ने दोनों पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों ऐसे दिए जो बहुत ही मेहनती थे। तो जब से मैंने आँख खोली, मैंने अपने नज़दीक जो सबसे करीबी शख्स जो अशख़ास थे उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, जिनका मतलब भी बहुत वसी था, जो पढ़े लिखे भी थे, जो गुफ्तगू भी बहुत अच्छी होती थी हमारे घर में। तो इसलिए वो चीज़ हमारे अंदर जीन्स में आई कि मेहनत तो करना है भाई, कुआं खोद के तो पानी पीना है। और उसके बाद मैंने अपने अब्बा को ज़िंदगी में बहुत एक सर्टन एज तक बहुत कम देखा, क्योंकि जब मैं सो जाया करती थी तो वो घर में आते थे, जब मैं सुबह सो रही होती थी या स्कूल गई हुई होती थी तो वो चले जाया करते थे। लेकिन वो मेरा बचपन था, मगर जब लड़कपन आया और उस वक्त मुझे अपने बाप की ज़रूरत महसूस हुई, फिर जवानी आई, फिर शादी के बाद, तो जब जब जहाँ जहाँ मुझे अपने होश में उनकी ज़रूरत महसूस हुई हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। और आई डोंट नो, जब भी मैं अपने वालदैन का जिक्र करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए अब मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली, क्योंकि अब मैं बुलाने वाली हूँ अपने उस बाप को, अपने उस फादर को, अपने उस अब्बा को, कुछ भी नाम दें, जिन्होंने मेरे लिए, हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की ज़िंदगी में और अपना एक मुकाम बनाया, बहुत सारे हिट ड्रामे दिए, सिर्फ हमें ही नहीं बनाया, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनका नाम आज आप देखते हैं उनके ही प्रोग्राम से, उनके ही ड्रामों से उन्होंने शुरुआत की। और PTV का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सारे अवार्ड्स काजम पाशा ने लिए, और आज मैं उनको बहैसियत डायरेक्टर नहीं, बहैसियत एक्टर नहीं, बहैसियत अपने बाप के यहाँ अपने प्रोग्राम में बुला रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं काजम पाशा को। सलाम अलैकुम। भाई कोरोना है लेकिन बाप बेटी तो मिल सकते हैं, ये तो कैसे आप? फाइन बेटा, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। ये देखे ना, लड़ते रहे, हमें ट्रांसप्लांट कराने दो, हमने नहीं कराने दिया हमने कहा हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं इतनी बातें करती हूँ लेकिन ये आप भी कम बातें नहीं करते माशाल्लाह, आप लोगों से ही आया है मेरे अंदर ये टैलेंट, आप भी तो कुछ कहें ना। नहीं, हमारे एक्चुअली शोबिज का अगर खामोश रहे तो फिर आगे नहीं जाते। अच्छा आपने मुझे शुरू में जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी आप कुछ दो तीन बातों पर मुझे बड़ा डांटते थे, ये चेंज करो, याद है आपको? बहुत सारी चीजें, मैं तेज बोलती थी। हाँ बस जल्दी जल्दी बात निकल जाती थी और समझ में नहीं आता था क्या बोल गई क्या नहीं बोल गई। और मेरे चलने पे भी मुझे डांटते थे याद? हाँ, क्या पैर मार के चलते हो? हाँ, ऐसे चलते हैं क्या? सही फास्ट वॉक थी। हाँ, वहाँ तो बेटा ज्यादातर जो तुम्हारा वो दौर जो है ना वो कोयटा में जब हम थे ना। हाँ, जब हम छोटे थे कंट्रोल रूम में स्टूडियो में सब जगह। हाँ, होती थी। हाँ, अम्मी की रिकॉर्डिंग में होती थी या मेरे उसमें देखने आ जाती थी। हाँ, दैट वाज द प्लेस कि जहाँ से तुम्हें गाइडेंस काफी मिली भी और हमने भी दिए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे हम नाजरीन से? मैं अब जब बैठेंगे तो हम बातें करेंगे। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, इधर बैठिए, उधर बैठिए, किधर बैठेंगे? आपका कौन सा एंगल अच्छा है? मेरा ये एंगल अच्छा है, क्योंकि आजकल जो भी गेस्ट आते हैं वो कहते हैं ना मेरे ये बाल यहाँ पे, तो मेरा ये एंगल अच्छा है। नहीं तो टोपी उतार देता हूँ, टोपी बैठे बैठे। और जी मैं यहाँ अब उस शख्सियत को बुलाना चाह रही हूँ जो, जैसे मैंने नाम लिया अपने फादर का कि मैंने इनको मेहनत करते हुए देखा है। तो मैं जब इंडस्ट्री में आई तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैंने कहा ये कितने लकी हैं यार, इनको तो बहुत कुछ मिल गया, इतनी जल्दी है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं एडमायर करती थी। अच्छा मैं एज एन एक्ट्रेस आई थी और फिर उसके बाद चली गई, फिर दोबारा आई एज एन होस्ट। तो जब मैं एक्ट्रेस थी उस वक्त तो मैं इनसे नहीं मिली थी क्योंकि उस वक्त ये शोबिज़ में नहीं आई थी। लेकिन जब मैं दोबारा आने की कोशिश कर रही थी अपने बच्चों के बाद, तो मैं एक शख्सियत को देखती थी और मैं उसको बड़ा एडमायर करती थी कि ओ माय गॉड, बच्चों के बाद अपने करियर का आगाज़ करना
इतनी मेहनत करना, सुबह सुबह काम करना और इतने जज्बे के साथ अपने प्रोफेशन को लेके चलना, साथ साथ फैमिली लाइफ को लेके चलना, तो मैं कुछ लोगों से बड़ी इंस्पायर्ड थी कि वाह यार, सूरत भी दिखती है, एक हल्का भी नहीं है, सुबह सुबह उठ के काम करना आ जाती है, एनर्जी भी है. तो वो जो सारे लोग थे उनमें एक ऐसी प्रोमिनेंट शख्सियत थी जो बहुत हार्ड वर्किंग थी और उसको मैंने बड़े करीब से देखा था क्योंकि इस इदारे में मैं भी काम करती थी, वो भी काम करती थी. तो मैं उनको देखकर, उनकी मेहनत को देख के मैं उनको बड़ा सराहती थी कि वाह. या होता है कुछ लोग खूबसूरत होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई चलो यार, खूबसूरत है इसलिए कास्ट कर लो, इसलिए उसको शो पे बुला लो. लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि साथ साथ अल्लाह ताला ने उसे जहानत भी उतनी ही दी है और साथ वो मेहनती भी इतनी है. तो इन सारी चीज़ों का जब मजमुआ बनता है, उसका अपना तो क्रेडिट है लेकिन उसमें शायद सबसे बड़ा क्रेडिट उसके वालिदैन का है जिन्होंने, क्योंकि तीन भाइयों की एक बहन होते हुए भी, चार भाइयों की कि तीन बहनों भाइयों की, तीन भाइयों की ना, हाँ सही बोला मैंने, तीन भाइयों की एक बहन होते हुए भी बिल्कुल लाडली होती ना ज़रा बहन, तो उठ के पानी भी नहीं पीना, भाई मेरी नाज़ों से पली हुई बेटी है. लेकिन ये नाज़ों से पली हुई बेटी इतनी मेहनती है और जहाँ गिरती है फिर खड़ी हो जाती है, जहाँ गिरती है फिर खड़ी हो जाती है. इसका क्रेडिट मैं उसके वालिदैन को दूंगी. और आज मैंने इस खूबसूरत सेलिब्रिटी, इस हार्ड वर्किंग सेलिब्रिटी के साथ उनके वालिद को यहाँ मधु किया है. पहली दफा हमारे शो पे आ रहे हैं. आइए वेलकम करते हैं शाइस्ता लोधी अपने फादर अली गौहर लोधी के साथ. आपका बहुत शुक्रिया शो पे आने का, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का. आइए प्लीज तशरीफ रखिए. आज Assalamualaikum, good morning, Pakistan. क्या इतना sannata.com नहीं जा सकता? इतना वो इज्जत वाली चीज हो गई. वैसे जैसे शाइस्ता आती थी तो वो जरा धूमधड़ का हो रहा होता था ना, अभी जरा अब्बास आए ना हमारे, तो वो हम भी जरा डिसेंट हो गए. और हाँ जी, तो पहले मैं, क्योंकि मुझे अपने बचपन के बारे में तो पता है ना, ऐसे अब्बू से बाद में पूछूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ शाइस्ता के बचपन के बारे में. मैं इससे पहले कि ये स्टार्ट करें, मैं मज़ेदार बात बताती हूँ. अभी हम मेकअप रूम में आए तो ये बराबर में बैठ गए जाए और फिर मैं उस तरफ चली गई अपने बाल वाल करवाने के लिए. तो थोड़ी देर बाद वो गानिया मेरे साथी कहेंगे लो चैनल मिल गया. वो कोई कॉलेज की बातें हो रही थी ना. अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था पाशा साहब से कि ये उर्दू कॉलेज में, लॉ कॉलेज में थे. अच्छा, तो वहाँ मेरा एक क्लास फेलो था. वो तो खैर उससे मुंसलिक तो नहीं था वो लॉ कॉलेज से, तो लेकिन वो प्रोफेसर थे. अच्छा, तो वहाँ से कहीं जान पहचान. हाँ जी, वो कॉलेज वो इन्होंने बताया तो मैंने कहा यार ये फिर ठीक है. मैं भी उसी दौर का वहाँ आता जाता था. मैं भी बहुत ही मतलब इस मामले में आगे थे. ये अदबी प्रोग्राम्स और ये वो तो हम लोग साथ मिल के किया करते थे. यूनुस शरर. अच्छा जी. अच्छा, मैं पूछ रही थी शाइस्ता के बचपन के बारे में. अबू फिर आप भी सोच के रख ले मेरे बचपन के बारे में. बहुत है. शाइस्ता की नेचर कैसी थी बचपन में? आप तीन बेटों की एक बेटी और वो लाडली बेटी होती. मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि ये बड़ी ताबेदार किस्म की बच्ची थी. इनको कुछ समझाया भी नहीं जा सकता. नहीं नहीं, क्या हाल निकलेगा. देखिए, समझाने की कोई बात नहीं है. जो हकीकत ये है, बड़ी ताबेदार किस्म की बच्ची थी. अच्छा, बहुत ज्यादा कहना मानना और ये बस. ये भागती थी तो ये है कि ये बहुत रात गए तक पढ़ती थी, तो मैं इसे हमेशा टोकता था कि यार तुम ऐसा करो रात को रेस्ट कर लिया करो, सुबह उठ के पढ़ो. पढ़ाकू बच्ची थी तो इतना ही पढ़ाकू कि बहुत ज्यादा. ओए होए. और अम्मा के पास ये बैठ जाती थी और सबसे ज्यादा जो पार्ट है पढ़ाने में आगे निकालने में इन्हें, वो इनकी अम्मा का है. अच्छा, वो पढ़ाती थी बहुत ज्यादा. और वो इसलिए मैं पढ़ गई क्योंकि तीनों ने पढ़ के नहीं दिया ना, तो अल्टीमेटली जोर मुझ पे चल गया ये बोले हम. तो बेटों के तो पिटाइयां शिटाइयां लगती हैं. नहीं, वो तो खैर मेरा जिम्मा था पिटाइयों का. तो बेटी ने कभी नहीं हाथ आपके मार खाई? नहीं, कभी मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको कभी, भाई छोटी मोटी बात पे तो सरजनिश हो जाती थी कभी कोई बात में, लेकिन ये अक्सर
किताबेदार और पढ़ाकू बच्ची थी। अच्छा, शुरू से। ओए ओए। और इसका खाने में तंग बंग तो नहीं करती थी, नखरा वखरा? नहीं, नखरा वखरा तो करती थी कभी कभी, सब्जियां और ये बड़े का गोश्त। अच्छा। ये वो इसे ज्यादा पसंद नहीं था। अच्छा। तो हमारे घर में जिस दिन वो बनता था उस दिन इसके नखरे होते थे। अच्छा, ये होता था कभी नाराज है, अम्मी से नाराज है या आपसे नाराज है? नहीं, तो आपने मनाया है कभी इसको? कई दफा होता था ये। अच्छा। ऐसा तो मैं मना लेता था, जल्दी मान भी जाती माशाल्लाह। और जमा जोड़ इन्हें बहुत आता था कि सहेलियों के दरमियान ये ज्यादा रहती थी। अच्छा, हर वक्त चाहती थी कि कंपनी हो। हाँ, कंपनी हो, लेकिन कंपनी भी पढ़ने वाली बच्चियों की। ओहो, ये भी बहुत। हाँ, कंबाइन स्टडी करती थी ये। हाँ। हमारे घर में ही, लेकिन हमें यार पढ़ाई की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई इनकी। अच्छा। हाँ। ये तो जबरदस्त, ये वाली बातें यहाँ नहीं मिलेंगी। हाँ भाई, बताए ना कितनी पढ़ाकू थी, ये बताए। बचपन के बारे में बताए, पढ़ाई के बारे में नहीं बताए भाई। बचपन से तो माहौल, सबसे बड़ी बात ये कि इसको जो माहौल मिला ना पैदाइश के बाद ही, वो मीडिया का मिला, यानी टेलीविजन का। जाहिर है। मैं भी, फहमीदा भी, का ताल्लुक इनसे था, और ये शायद उनके ख़ानदान में और मेरे ख़ानदान में हम दोनों पहले लोग थे जो वाबस्ता हुए टेलीविजन से जी। और मीडिया से। इससे पहले मैं भी रहा, बैंक में भी रहा और भी इदारों में रहा, और इनके भी फादर का ताल्लुक इधर से नहीं था, भाई था बहुत छोटा तो उसका भी वही नहीं था। तो इनको माहौल जो मिला ना स्टार्ट से, मतलब ये भी हुआ, मैं इनको अभी ये भी बता रहा था कि कोटा हमारी जब पोस्टिंग हो गई तो वहाँ हम दोनों मियाँ बीवी होते थे, कोई इनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता था। अच्छा। तो ये लोग साथ आ जाते थे हमारे, हम लोग पीटीवी में घूम रहे होते थे। पीटीवी में घूम रहे होते थे, स्टूडियो में जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, माँ के साथ रिकॉर्डिंग में पीछे खड़े हुए कंट्रोल रूम में जी। तो इनका जो ब्रॉट अप हुआ ना वो इस सारा उसी जगह से हुआ। लिहाजा आपके इल्म में है कि तीनों मेरी बच्चियां जो है ना जी, जी, जी। किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इन्वॉल्व इस मीडिया में इन्वॉल्व रही। तो इसलिए लेकिन कितना टफ लगता था लोग है ना पेरेंट्स अब एक ये भी सोच आती थी उस जमाने में, अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में कि जी नहीं टीवी और फिल्म के साहिबान में पले हुए बच्चे और ये वो, तो वो आपको नहीं खौफ आता था ऐसा कुछ कि बच्चे हैं बच्चियाँ? वो माँ बाप से हटते ही मुश्किल थे ना, छोटे इतने थे कि और कहीं जाना नहीं होता था। बाकी रिकॉर्डिंग में आ गए, मेरी रिकॉर्डिंग में आ गए, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो वो तीनों बच्चों का यही रहा। हाँ। नहीं, एक बड़ी अच्छी बात ये लोग कहा करते थे शायस्ता, ये वाला सवाल शायद अबू समझे नहीं जो तुम कह रही हो, एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, कहते थे ना कि भाई आप अपने बच्चों को शोबिज में ले आए हैं, तो अम्मी अबू कहते थे कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं लाएंगे ना तो अच्छे घर की बच्चियाँ कैसे, ये सोचते थे कि हम अपने बच्चों को ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई शोबिज खराब नहीं है। हाँ। जो कुछ गड़बड़े हैं वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकती हैं। नहीं, खराबियां तो किसी। हाँ, तो कहते थे हमने एक मिसाल है, तो हर प्रोफेशन बिल्कुल, तो हमने अपने बच्चों को इस फील्ड में लाके एक मिसाल कायम करनी है कि बाकी दूसरे अच्छे घर की पढ़े लिखे घर की भी बच्चियां ये सोचे कि भाई अपने बच्चों को ले आए हैं तो इसका मतलब कि ये खराब जगह नहीं है, ये अच्छी जगह है, वो वाली चीज जो तुम कह रही थी सवाल करे। अच्छा, तो मेरे बचपन के बारे में बताएं, क्या थी मैं, कैसी थी, क्या थी? अच्छा, गुपल्लू सी थी, दुबली पतली थी, कैसी थी? नहीं, गुपल्लू तो ज्यादा तो नहीं थी, दुबली पतली मतलब ज्यादा नहीं थी, कम थी। हाँ, नहीं ठीक सेहतमंद थी। अच्छा, मतलब ना अल्लाह ने कोई ऐसा हुआ कि किसी बीमारी से गुजारा हो बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी प्रॉब्लम। बात बीमारी में कैसा रिएक्ट, वो होता है ना बच्चे जरा सा बुखार होते हैं बहुत ज्यादा जाते हैं, ये वो वाला बच्चा थी, मेरी एक्टिंग करके दिखाएं क्या करती थी मैं बीमारी में, इतना ज्यादा। अच्छा, वो एक लफ्ज आता था अल्लाह जी बुखार आ गया जरा सा। अच्छा, और ये किस जैसी थी, मैं ये भी तो बता दे मुझे, किस पे गई थी ये, मैं ये कौन करता था ये मेरी, नहीं 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 मेरी वालिदा, दादी मैं दादी पे गई थी। मेरी वालदा को जरा भी कोई हल्की सी प्रॉब्लम होती थी सारे घर को सर पे उठा लेती थी। तो निदा ये आज तक ऐसा ही है, थोड़ी सी भी तकलीफ हो वो मुझे अम्मी अब्बू तो नखरे उठा लेते, जैसे कहता है तौबा तुम तो बीमारियों की पोटली हो। हर वक्त जब हाई अल्लाह ये वो, मतलब मेरी आदत है, जरा से भी कुछ होता है तो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कि बीमार हूँ, वरना कुछ लोग होते हैं ना जो दिल में रखते हैं। अच्छा, ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है कि शाइस्ता का हो रहा है,
मैं भूल गई, जरूरी है ना। अब यहाँ यही बात है, आपसे पूछूंगी शाइस्ता के हवाले से कि जब ये बीमार होती थी तो ये क्या करती थी? ये बीमार होती थी तो ये नहीं करती थी, आए हुए बर्दाश्त कर लेती। आप लोगों को पता चल जाता था कि ये बीमार जाता था, लेकिन ये बचपन से बर्दाश्त कर रही हूं। ये बर्दाश्त वाली बच्ची है, बर्दाश्त। इसमें ये है बड़ा, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं ना कि आदत मिलती है बच्चों की माँ से मिलती है, बाप से मिलती है, या दादी या नानी वगैरह से, तो शाइस्ता की जो कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो आप जैसी हैं? अब वो आप भी सोच के रख लें। अच्छा, मुझे लगता है मेरा मीठा खाना, मेरे अब्बा को मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, और आई थिंक हम सब ने लिया है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लिया है। ये खूब मीठा खाती है। ये आपको लगता होगा कि ये कोई डाइटिंग करती है या कोई इस टाइप की, कोई ऐसी बात नहीं है। खूब जो चीज किसे खानी होती है खूब जी भर के खाती। अच्छा, और मीठा तो अक्सर नहीं, नहीं तो बोलने की क्या बात है, लोग समझते होंगे कोई डाइटिंग करती है या कोई वर्जिश करती है या कोई डेट, कुछ नहीं। तो तक काम जो करती है ना वो एनर्जी उसी में चली जाती है। काम तो ये है कि बेचारी निकलती है 11:30 बजे। हाँ। हमें तो इसको मैं टेलीफोन करता हूँ। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे 10 टेलीफोन में इसने एक भी उठाया हो। नहीं, इतने काम में लग जाती है। हाँ। तो रात को फिर फोन आता है कि पापा आपने फोन किया था, क्या बात है, क्या बोल। अच्छा, एक तो ये आदत हो गई मीठा खाने वाली, दूसरी और कौन सी आदत है? अरे गुस्सा, गुस्सा तेज है। अरे भाई ऐसा वैसा। अच्छा, इसका गुस्सा बताएंगे। अच्छा, ये गुस्से में नहीं तो आपने आपके बारे में गुस्से में नहीं आते ऐसे वैसे, तो मैं भी गुस्से। अच्छा, मैं उतने गुस्से की तेज हूं जितने आप। अब्बा और अम्मा में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? किसको? मेरे अम्मा। हाँ। दोनों को आता है। नहीं, अम्मी को ज्यादा आता है। हाँ। मुझे जब आता है तो आला दर्जे का। यही हाल इधर का भी है, आला दर्जे का गुस्सा। अच्छा, इन दोनों के स्टेटमेंट है ना, अम्मा और अब्बा को। लेकिन आपको क्या लगता है, इसका गुस्सा आप पे गया है या अम्मा पे? इसका नहीं, मेरी जो दूसरी बेटी है उसका तो अम्मा पे गया है। किसकी बात कर रहे हैं? सुना, सुना की। और इसका मुझ पे है। अच्छा, ये प्यार भी कर रहा है, इसको आता है कि जिससे प्यार कर रही है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत दे रही है। हाँ। और गुस्सा भी आ रहा है, हार्ड भी हो रही है। नहीं, गुस्सा आता है तो एकदम से डर करके बोलती है ये, या एकदम बस दिल में रखेगी, उतारेगी नहीं? ये मैटर करता है कि किस टाइप का गुस्सा है। अच्छा, किसी के मतलब ये बेईमानी को बहुत गुस्सा आता है, इसको कोई बेईमानी करे अगर तो। अच्छा। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हाँ। और वैसे कोई अगर हो तो कितना ही कर जाए उसको गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए मेरा सही बात है ना। हाँ। ये तो अच्छी बात हुई। हाँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए शाइस्ता लोधी को अपने अब्बा के साथ और निदा यासिर को अपने अब्बा के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हमारे अब्बाओं के नाम, ये तो मैं जरूर कहूंगी। उसकी रीजन ये है कि हम हमेशा अम्मा 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 करते रहते हैं, लेकिन अब्बाओं की भी तो दिल है ना, उनको भी तो अप्रिसिएशन एनकरेजमेंट चाहिए कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कितना बड़ा किया है। तो आज शाइस्ता लोधी अपने अब्बा के साथ और निदा यासिर अपने अब्बा के साथ हमारे शो पे हैं। आज मौजूद जो मेहमान, तो हम जिक्र क्या कर रहे थे शाइस्ता, हम क्या कर रहे थे बात? मैं पूछने वाली थी कि निदा की जो शक्ल है वो अम्मा पे ज्यादा गई है या आप पे? लेकिन आप पे लगती है, मगर ये चीख का खास अंदाज है ना, लोगों की राय से होता है, मतलब जो लोग देखते थे ना। आपको क्या लगता है कि जो गोलू मटूलू सा अंदाज है मुंह का, वो अब्बा पे ज्यादा गया, अम्मा का तो नहीं? अम्मा का आईज, जो दीदा की आंखें थी ना, बड़ी आंखें, वो मेरे जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें मैंने देखा है, मुझसे बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस। बुशरा अंसारी कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो वो कहती थी ऐसा लगता था काजिम पाशा ने फ्रॉक पहनी हुई है, यानी कि मैं इतनी मिलती हूं अब्बू पे। वो तो आपके बड़े पुराने साथी हैं। हाँ, हाँ, तो मैं ट्रेनिंग पे था जब दिल्ली में थी, वो बच्चों के प्रोग्राम करती थी। जी, जी। तो वो यही कहती हैं, मतलब सब लोग ये कहते हैं, यासिर भी ये कहता था कि पूरा तुम अब्बा लगती हो। मतलब मेरे ससुर कहते थे अगर तुम्हें मूछे दाढ़ी लगा दो काजिम पाशा लगे। अच्छा, शाइस्ता की शक्ल किससे मिलती है? साहिर की शक्ल, साहिर नहीं शाइस्ता। अच्छा, शाइस्ता की। हाँ, शाइस्ता की शक्ल अपनी माँ पे। डिटो, डिटो। अच्छा, अब हाँ, मुझे वैसे वो लगती है, लेकिन आपसे भी मसलत तो होती है, थोड़ी बहुत तो आती है माँ बाप की, लेकिन ज्यादा जो है वो अपनी अम्मा पे, अम्मी की शक्ल। बिल्कुल, मैंने कॉम्प्लेक्शन वगैरह अम्मा से लिया है ज्यादा।
अब्बा का भी कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो, लेकिन फीचर्स भी तुम्हारी अम्मी के झलक आती है, झलक आती है। तो वो ये ब्यूटी कॉन्शियस बचपन से थी, मतलब जैसे अपना जितना ख्याल रखती है माशाल्लाह हर चीज का बचपन से थी। हाँ तो आज देख लें आप, वही ना, क्योंकि मैंने देखा था जब शुरू से ही देखा था, शायस्ता अपनी स्किन का बहुत ख्याल करती, स्किन का भी ख्याल, फिर लिबास भी अच्छे पहनना, ये इसका शौक। तो ये शौक इसके अंदर किससे आया, आपसे या आपकी वाइफ से? यार मेरा शौक, मेरा शौक भी है पहना बहुत, मैंने भी ड्रेसिंग की है बहुत, जब ऑफिस में शौक है कपड़े पहने, और साहिर को भी है बहुत शौक ना, मतलब अच्छा पहना। आई थिंक हमने अपने, हमारी अम्मा बड़ी सादा हैं इस हवाले से। अच्छा, और एक एक शौक जो इनको आया वो मेरी किताबें पढ़ने से आया, मैं किताबों, हाँ ये बहुत ज्यादा, ये जो किताबें पढ़ते हैं, तीन शौक लिए, किताबें, मीठा और खुशबू, हाँ तीनों चीजें मैंने अब्बा से ली। ओके, ये कैसे आया तुम्हारे कि एक दो शोबे ये बड़े अलग हैं, मेडिसिन पढ़ना और शोबेज में आना जी। नहीं वो मेडिसिन से भी तो ये इंसानों को खूबसूरत ही बनाती हैं। वो मेडिसिन भी वही उसी तरफ गई है ना, ये वो डॉक्टर नहीं है ये। हाँ। डॉक्टर नाक सीधी कर दी, थोड़ी ऊपर कर दी, थोड़ी नीचे कर दी, ये डॉक्टर है, ये वाली डॉक्टर। ये चीज शौक में आ गई ना, शौक से करती है जो काम वही काम प्रोफेशन बना ले। अच्छा आप बताएं मेरी कौन सी ऐसी आदत है, एक तो आपने कहा गुस्से वाली आदत, आदत जो आपसे मिलती है, मेरी कौन सी ऐसी आदत है जो आपसे मिलती है, आपको क्या लगता है? मुझसे एक तो इस प्लानिंग जो करती है, जिस तरह आप ये ना, मैं भी जब अपने इस प्रोफेशन में ऑन था जी, मैं प्लानिंग बहुत करता था। हाँ। ये अब जब मैं, मुझसे भी डिस्कस होता है सर कभी कभी फोन पे या वैसे, मुझे अच्छा लगता है ये कि ये प्लानिंग करती है। अच्छा फिर क्या होता है कि एक चीज़ अगर ये सोचती है कोई मुझे ये करना है फिर वो करके छोड़ती है। ये आपसे आई है? यस, ये मेरी। अच्छा आप दोनों बहुत सख्त मेहनत करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि ये अपने माँ बाप से इसने सबसे ज्यादा बात ली है कि मेहनत करनी है, मेहनत तो अब ये कर रही ना, मैं नहीं, हमने तो वो दौर देखा ना। हाँ। कि हमने तो बिल्कुल इब्तदाई दौर कि हम मोटरसाइकिल भी बाद में आई है, पहले डंडा पकड़ के बस में चढ़ते थे जी। फिर और फिर आहिस्ता आहिस्ता बैंक में आए, फिर ये इन्होंने जब माशाल्लाह आँख खोली तो तो इनको वो, लेकिन इनकी माँ की सख्ती ये थी कि घर में गाड़ियाँ माशाल्लाह एक हुई फिर दो हो गई, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी जो भेजती थी पॉइंट की बस से, बस ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छी चीज होती है, और पॉइंट वहाँ तक पता चलता है, मजदूर बनाने में खराब नहीं होते। हाँ। मजदूर बनाने में क्रेडिट अम्मी को जाता है, हम 7H G7 सब में हमें ट्रैवल करा। यहाँ हमारे हमारे यहाँ भी यही है सिस्टम कि इनकी अम्मा जो हैं वो मतलब इन्हें कहती हैं कि बस नीचे रहो। इससे बंदा ग्राउंडेड रहता है। हाँ। अगर अगर पेरेंट्स कहते हैं ना कि हाँ जी शाइस्ता बड़ी डाउन टू अर्थ है, निदा यहाँ से बड़ी डाउन टू अर्थ है, उसकी ये रीजन है कि हमारे माँ बाप ने हमें हमें देखें जी तरबियत जमीन में रहना सिखाया, तरबियत ही बोलती है। हाँ। तरबियत जो है यही बात है। आज आजकल फिर मैं कहूँगा ये अलग हट की बात है कि आजकल जो है तरबियत का फुकदान है। आप देखें हमारे यहाँ डॉक्टर बड़े अच्छे, इंजीनियर बहुत अच्छे, लेकिन हॉस्पिटल्स में जाएँ तो उनका जो रवैया है या अखलाकी कदरें पापा जी। और तरबियत जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि जितनी माँ के हवाले से होती है ना जी, बाप की अपनी मसरूफियात होती हैं। और मैं तो खास तौर पे जब मैं प्रोडक्शन में होता था तो घर भर सब पूरा पूरा दिन। हाँ। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे में। अच्छा आप घर भूलते थे तो कभी बच्चे को भूले थे? बच्चों को भूल जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ये। एक बार तो हुआ है इसके साथ के क्या, मुझे स्कूल से लेना होता था। ये होता ये था कि पहले रूटीन में ये था कि बुशरा जो है ना वो दोपहर को लेती थी, बुशरा अंसारी। अच्छा उनके उनके बच्चे और हम लोग एक ही स्कूल, हम आसपास ही रहते थे, और मैं सुबह इनको और बुशरा के बच्चों को छोड़ता था। ठीक है। उस दिन बुशरा ने कहा कि मुझे कुछ मसरूफियत है, आप दोपहर को ले लीजिएगा। ठीक है। दोपहर को मतलब लाइक मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी, निदा को आप ले लीजिएगा, मुझे कहीं जाना है। मैं जनाब रिकॉर्डिंग में जो लगा हूँ, दोपहर ऐसी दोपहर आई कि 1 बजे छुट्टी होती, 3:30 बज गए, मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे बच्चे को भी लेना है। जब याद आया तो सीन आधा बीच में था, आर्टिस्ट अदाकारी कर रहे थे, मैं छोड़ के भागा ऊपर कंट्रोल रूम से, रोकते रह गए। जब मैं गया था शी वॉज अबाउट 4 years
चार साल की ये जंगला पकड़े हुए गेट का बाहर अल्लाह और वो रो रही थी और चौकीदार बेटा आ जाएंगे अभी आते होंगे ये दैट वाज द डे मैं आज तक इतने साल हो गए ये नहीं बताएगा कितने साल हो गए मुझे भी तो हुए ना तो वो मैं नहीं भूलता हूँ अच्छा फिर एक चीज और बड़ी ऐड थी जैसे आपके वालिद ने भी अभी कहा मैंने इसको मारा नहीं कभी जी लेकिन एक चीज मैं क्या करता था जब इसको मारना ये बता देगी खुद ही नहीं नहीं आप बताएं जब इसको मुझे समझ लो किसी शरारत पे लड़ाई झगड़े पे अमूमन लड़ाई झगड़े पे मार सजा देनी होती थी बहनें आपस में लड़ते थे तो मैं बेल्ट उतारता था अच्छा और इसको हाँ इसको कहता था लेट जाओ यहाँ बिस्तर पे इतनी बड़ी होती थी इतनी बड़ी और बेल्ट को मैं इसके दोनों साइडों पे मारता था इधर मतलब इधर मारता था और बिस्तर पे इधर मारता था और इसकी जान निकल जाती थी इसी की अल्लाह अल्लाह जी अरे सब ये तो कुछ भी नहीं है अच्छा एक मिनट मैं बाथरूम हूँ अच्छा आप कुछ सवाल जो है ना वो शायस्ता और मुझसे मेरे पास जवाब नहीं है मेरे पास सिर्फ सवाल है ठीक है कोई बेमानी नहीं है इसलिए आप दोनों के हाथ में दोनों फादर्स के हाथ में सही या गलत है कुछ सवाल मेरी टीम ने इनसे पहले से ही पूछ कर जवाब ले लिए यार देखो अच्छा। एक बात है हम बूढ़े लोग हैं भूल जाते हैं ये बता दूं पहले अच्छा। हाँ हो सकता है हम भी कुछ बईद नहीं हो सकता हम दोनों भी भूल गए हो तो अब वो सवाल भूले ही रहे वो सवाल जो आप लोगों से कर चुके हैं उसके जवाब ले लिए हैं अब वही सवाल हमसे किए जा रहे हैं और आप लोगों ने सही या गलत बताना है कि हमने सही जवाब दिया देखे मैदान कौन मारता है और ये सारे बचपन के हवाले से ठीक है पहला सवाल ओके बचपन में सही या गलत ये सही है बचपन में सबसे ज्यादा डांट किस बात पर हमें पड़ी है शायस्ता तुम भी बताओ और मैं भी बता रही हूँ अच्छा मुझे बचपन में स्कूल छुट्टी नहीं करने देते थे अब और अगर मैं छुट्टी का बोलती थी तो मुझे उस पर बहुत डांट पिटती थी शायस्ता तुम जवाब दो मेरा ख्याल है मेरे अब्बा के पास ना एक वो थी क्या होती वेस्पा वेस्पा तो मुझे उस पर डांट इसलिए पड़ती थी कि मैं आगे खड़ी होती थी छोटी सी और मैं सो जाया करती थी अच्छा और मैं जब तक स्कूल पहुंचे या कहीं किसी के मैं वहीं सो जाती थी इनके हाथ पे उस पे डांट उस पे मुझे आखिर में हर थोड़ी देर बाद सो क्यों जाती हूँ नहीं मैं नहीं सो रही हूँ तो मेरा तो ये जवाब है कि भाई मुझे स्कूल छुट्टी करने पे और लड़ाई करने में आपस में बहनों में इस पे बहुत डांट पिटा सबसे ज्यादा सवेरा से जो तीसरी मेरी बेटी है और निदा से जो लड़ाई होती थी ना उस पे मैंने बहुत दोनों आपने मैंने जवाब सही दिया कि गलत दिया है ये तो बताएं जवाब सही दिया कि गलत दिया इन्होंने सही दिया और मैंने क्या किया मेरा क्या था मेरा गलत है सही है नहीं लड़ाई झगड़े पे तुमने तो अच्छा लड़ाई झगड़े पे ना मैंने सही सही जवाब हो गया भाई ओके नेक्स्ट सवाल वो शरारत जो आज तक याद है मतलब आप दोनों को भी याद है और हमें भी याद है मुझे शरारत कोई तुम्हारी अपनी शरारत और मैं भी अपनी सोचूं सवाल आज बड़ा मुश्किल शो है मेरे लिए मेरे मुझे भी सोचना पड़ा मुझे तो बिल्कुल जमाने की बात हो गई अब नहीं मुझे तो शरारत अच्छा मैं बिल्कुल शरारती तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि शरारती नहीं थी मैं बाकी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं मेरे बाकी जो बहन मतलब भाई हैं वो इतने शरारती और सब कुछ इतना कर चुके थे और इतनी उन्हें डांटे पड़ी होती कि मैं एक खौफजदा बच्ची नहीं होती कि नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं करना टाइप थी जो मेरी तीसरी बेटी है जहाँ हम रहते थे अपार्टमेंट्स थे वो एक ब्लॉक हमारा दो तीन चार ब्लॉक और थे तो इधर के बच्चे हमारे ब्लॉक के और एक और ब्लॉक दो के बच्चों की सरगना थी मेरी बेटी सवेरा अच्छा लीडर थी वो लीडर थी और सामने दो ब्लॉक के और बच्चे वो भी उतरे वो भी लीडर एक बार वो कोई आपस में हो गया झगड़ा तो सवेरा को बताया चौकीदार ने किसी ने सवेरा डंडा निकाल के लड़ने को भागी जब निदा को पता लगा तो इसने भी पीछे से ही डंडा पकड़ा भाई वाह और ये उसकी सपोर्ट को भागी गुंडा कर दी और इस पे हमें बताया कि भाई ये तो मारपीट आपकी बेटियां गुंडा हाँ
वही नहीं होने वाली थी, एक दूसरे थे डंडे उठा लिए। अच्छा, इतने बच्चे, सवेरा इतनी थी तो निदा इतनी थी। ये शरारत मैं कभी, फिर डांट पड़ी थी अम्मा की, अम्मा ने भी डंडा उठा लिया। अब तो डंडा नहीं उठाती ना? नहीं नहीं, आपकी अब तो जिंदगी, निजी जिंदगी भी है, शौहर के साथ भी है, बच्चे भी हैं। जब शादी हुई थी शुरू शुरू में तब तो बहुत दबी दबी थी, अभी थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तो इसका मतलब है वो कभी कभार शुरू हो जाए। उस वक्त जरा सी मासूम मासूम थी, लेकिन उसके बाद जब औलाद जब बड़ी हो जाती है ना जरा, तो फिर एक बड़ा मजबूती आ जाती है। ये चेंज मैंने इसके इंतकाम ने शुरुआत देखी है। इंतकाम नहीं, उसके बाद शुरू से ये जब शादी हुई तो बड़ी यानी डरपोक डरपोक सी और कॉन्फिडेंस नहीं, बाद में बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी मेरा और इसकी माँ का ये है कि इसको हमने कॉन्फिडेंस दिया और शौहर की मौजूदगी में दिया कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि उसके पीछे हमको इसको बरकरार है, ऐसा नहीं था, उसकी मौजूदगी में दिया कॉन्फिडेंस। हाँ। वो कहता था कि ये इसको एतमाद ही नहीं होता, वो आज के दर रो पड़ती है, आंसू तो माशाल्लाह टंकियां यहाँ पे रखे हुए, अरे वाटर बोर्ड से आते हैं आंसू। ये बात आप बताए जरा कि ये जल्दी रोने वाली है या मुश्किल से इसको रोना? नहीं, रोने वाली तो है। हाँ, फौरन जज्बाती हो जाती है। कभी कभी हम बैठते हैं, कभी बातें करते हैं, या कोई मौजूदा हालात पे हम लोग तबसरा करते हैं, तो मैं देखता हूँ कभी कभी इसका चेहरा जो है वो छोटा होता है। लेकिन हाँ, जैसे रोती नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ। ये बहुत वो है कि मतलब बर्दाश्त कर लेती है ये। अच्छा, कोई अगर मतलब कोई यानी आपको खुद पता है कि भाई इस पे क्या क्या ना हुआ, हम लोग गए देश निकाला निकला चले गए, हम लोग फिर वापस आए। मैं कहती हूँ जो इसके साथ हुआ ना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी और के साथ होता, मैं, नहीं बेयर कर सकता। मैं बेटा वही कह रहा था आपसे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, इस मामले में बड़ा स्ट्रॉन्ग, बल्कि हम यानी माँ बाप थे इनके, इनके साथ थे और दिलासे हम देते थे, बल्कि ये हमें कहती थी जी बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप ये शायस्ता के बारे में क्या फील कर, मैं तो इसके बारे में फील करता हूँ कि इस पोस्टिंग में आने से जी जी इसके एतमाद में कुछ 60-70% इजाफा हुआ है। हाँ। आप बताइएगा शायस्ता जैसे जैसे इस फील्ड में आए। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपसे, है ना, इनमें भी ऐसा ही हुआ है, हुआ ये जो बिल्कुल हुआ। हाँ, कि इसका एतमाद बढ़ता गया। देखें, हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, हम लोग मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे बिल्कुल, और इसे इसे डॉक्टरी की ये किया वो किया, तो इसका एतमाद जो है वो बढ़ता चला गया, और हमने भी इस पे इसके एतमाद पे भरोसा किया कि नहीं ये आगे निकले तो अच्छी बात है। और आज आप अच्छा, मुझे भी इतने इख्तलाफात झेलने पड़े हैं इसको मीडिया में लाने पे, यार ये मैं सब, आपको बता नहीं ये सब पूरे खानदानों में होता है, लेकिन इसमें भी मेरी और मेरी वाइफ की बहुत बड़ी वो थी कि हमारी बेटी है, हमने जैसे तरबियत की है हम जानते हैं इसको, बड़ा जी नाम या तो शोबिज में यूँ बदनामी है फलाना, रिश्तेदार आके मेरी वालदा को उकसाते थे यार देखो क्या हो गया इनको, काजिम भाई को, आपकी वालदा को नहीं मेरी वालदा को, नहीं तुम्हारी वालदा को भी, मेरी वालदा को भी, जब अभी बच्चे जब वो हुए बड़े होते इतने इतने हुए तो अदाकारी जो सवेरा को मैंने बहुत एक्टिंग इसको भी कराई एक्टिंग तो बहुत उस पर वर्ग लाते थे, तो मेरी वालदा कहती थी भाई वो दोनों माशाल्लाह खुद समझदार है और अल्लाह का और पेरेंट्स को पता होता हमने अपने बच्चे को कैसे रुझान देखता है आदमी, रुझान देखता है कि बच्चों का रुझान किस तरफ है, बिल्कुल ठीक है उनका रुझान है तो ठीक है आए आगे बढ़े, और उसमें बच्चा उसी में आगे बढ़ता है जो उसमें जिसका रुझान। प्लस पॉइंट जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ आपका क्योंकि मेरा ताल्लुक और फैमिली का ताल्लुक शोबिज से था, ये बच्चे जब स्टार्ट में गए शूटिंग्स में यहाँ वहाँ आके कहते थे पापा क्या बताएं, हम जब जाते हैं ना कोई कुर्सी ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। हाँ। अजीब लगता है हमें, हम शर्मिंदगी ये सपोर्ट हुआ है। तो मैंने कहा बेटा एक वक्त वो आएगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाम से बिठाने जाए, बेशक, और अब देखें जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाना था कि बच्चे माँ बाप के नाम से हवाले, तो आप सोचे आप वो वाला दिन याद करें जब आप 3:30 बजे इसको 1 बजे की छुट्टी हुई लेने गए थे
उस वक्त जो सफरिंग थी, लेकिन आप उस सारे जर्नी के बाद आज आप सीट पे बैठे हैं इसलिए कि निदा के फादर हैं। तो ये इससे बड़ी किसी बाप के लिए खुशी नहीं हो सकती। मैं तो मार्केट में जाता हूँ कभी कहीं, अभी मेरे बेटा और मैं दोनों गए थे कोई पिछले हफ्ते जी। अब वो वहाँ जो सेल्स गर्ल्स होती हैं आपस में जाएं खुसर खुसर करें, फिर इधर से आ जाएं, आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल तुम पूछो, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। इन्होंने जो कहा वो ही हमारा के अब्बू हैं, कि ये शायस्ता के अब्बू हैं, शायस्ता के अब्बू हैं, शायद के अब्बू हैं। फील ऑनर जी 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 बिल्कुल, खुदा जानता है कि मुझे ये एहसास होता है और शायद मैं इस बात का मुतमन्नी था कि मैं एक जमाने में अपने औलाद के हवाले से पहचाना जाऊँ। मेरा बेटा इस फील्ड में नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बेटियाँ माशाल्लाह इस फील्ड में माशाल्लाह पहचानते हैं, सवेरा स्पोर्ट्स में है, अपना चैनल चला रही है वो, उसके हवाले से पहचानते हैं, तो आई फील प्राउड रियली। ओके अगला सवाल। हाँ जी ओके। हाँ, वो एक काम जो आप मना करने के बावजूद, मतलब आप मना करते थे हमें और हम फिर भी वो करते थे, वो एक काम, अल्लाह मैंने मुश्किल में डाल दिया, बहुत मुश्किल है यार। हाँ, वो एक काम जो हमारे अब्बा हमें मना करते थे और हम फिर भी करते थे। तुम बता दो फिर मैं बता दूंगा। नहीं नहीं, मुझसे सवाल है ये। अच्छा, और शायस्ते से सवाल है। बड़ा मुश्किल है ये। मैं आई थिंक मुझे खाने पे बहुत टोका जाता था कि ये, जैसे हम लोग आज अपने बच्चों को कहते हैं ये बाहर का नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तो मुझे खाने पे ये टोका जाता था कि भाई नहीं, हमारे घरों में हमारे टाइम पे तो यही समझा जाता था, दूध पीने वाला बच्चा बड़ा ताकतवर होता है, तो मुझे बहुत अम्मा अब्बा दोनों की तरफ से प्रेशर होता था, ये नहीं पीती और ये यूं और यूं पड़ती है और ता पड़ती है और ये, तो मैंने कभी कभी नहीं पिया दूध। ये वाला है वो काम जिससे मना करते थे या क्या? आपने शुरू में बोला था कि बहुत पढ़ती थी। हाँ, बहुत तो आपने उस पर भी आपने कहा नहीं, उस पर भी देखें, इंसान की जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि एक ही होता है, दूसरी बात भी होती है। पढ़ती बहुत थी, मैं ये कहता था कि सुबह बेटा जल्दी उठ जाया करो और रात को जल्दी रात सोया को, हाँ जल्दी जल्दी सो जाया करो। ये पूरी पूरी रात पढ़ती रहती, सुबह मेरी आँख खुलती तो मैं देखता था पढ़ती, फिर ये इस पे मना करते थे। हाँ, मैं पूरी रात जागने पे के पढ़ रही। हाँ, आपको क्या पता कितने प्रेशर होते हैं पढ़ाई के। और क्या, और मुझे क्या होता था, मुझे किस बात पर मना किया जाता था और मैं कर रही होती थी भाई, मैं तो इसको ये इसके शर्ट्स और ये मैं बहुत फैलाती थी। हाँ, सारे कमरे में पड़े होते भाई, जब हम फील्ड में आए तो जाहिर है उस वक्त कंटिन्यूटी और जल्दी भागना, रात को देर से आना, तो हमारे मेरा कमरा बहुत फैला हुआ था, मुझसे ज्यादा माँ और वो मासी से उठवा रही हैं और डांटती जा रही हैं, डांटती जा रही हैं, कपड़े बहुत फैला, लिफ्टी नहीं करा रही है, डांटती रहो, मैंने तो यही कर रहा है भाई इतनी मुश्किल होती है अगर संभाल के रख दो कंटिन्यूटी के कपड़े ढूंढना, फिर निकालो दोबारा, बहुत मुश्किल होती है। एक ब्रेक आ गया है, अब क्या करें, इतने सारे सवाल रह गए थे पर ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद कर लेंगे। चलें जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शाइस्ता लोधी अपने अब्बू के साथ, निदा यासिर अपने अब्बू के साथ, बड़ा मज़े का शो हो रहा है। बड़े दिन बाद अब्बू से इतनी डिटेल में बात हो रही है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ये भी भूल गई होगी हमें याद रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। लेकिन आपको वैसे नॉर्मली कितना टाइम मिल पाता है फोन के अलावा बैठ के बात करने का? फोन तो होता है ना कि जल्दी जल्दी एक चीज की आपने बात। देखो अब ये है ना कि अब तो ये खैर माशाल्लाह अपने घर पे होती है जी, तो काफी वक्त के बाद टेलीफोन पे गपशप हो जाती है। हाँ। लेकिन जिस जमाने में ये सब हम होते थे, रात के खाने पे हम जमा होते थे, शादी से पहले की बात, शादी से पहले बच्चे तीनों होते थे, माँ बाप हम दोनों, हम कोशिश या रिकॉर्डिंग में ना हो मैं या फहमीदा जी, तो हम खाने की बेंस पे होते हैं। और हाँ, आप लोगों का क्या रूटीन है, जैसे लाइक आप जो है शाइस्ता कितना मिल पाती है आपसे? ये मत पूछे आप, क्यों वो कह रहे हैं हमेशा गिला ही रहा है मुझे इस मामले में। पहले मॉर्निंग शो भी करती थी। हाँ। तो उसमें जितनी आप मसरूफ थी ये भी इसी तरह से मसरूफ रहती थी, और उस वक्त भी टाइम बस टेलीफोन पे मिलता था, कभी हफ्ते में एक आध दफा मिल लिया तो मिल गया। सवाल तुमने किया और फंस गए। और दूसरे अब तो सवाल ही नहीं है। हाँ, अब तो हम बैठे रहते हैं तो इनके पास एक तो फोन आते रहते हैं। हाँ। मेरी फलां की बुकिंग हो रही है, फलां उसका ये करना है, उसका वो करना है, किसी की नाक टेढ़ी करनी है, सीढ़ी करनी है, मतलब ये चक्कर रहता है हमारे से बात करते करते, ये मतलब इधर उधर की बातें भूल जाती है। हाँ। फिर वो उसी से शुरू होती है, मैं फोन करता हूँ तो ये
ये एडवाइस दे रही होती है, इसको ये करना है, इसको ये करना है. मैं कहा यार मैं बात कर रहा हूँ, तुम भी मुझसे तो बात कर लो. ऐसा अच्छा मैं आपसे क्लेम नहीं जाते हैं, नाश्ते पे नहीं गए थे, लेट नहीं मारी थी हमने. एक दिन अगर एक साल में एक दफा मुझसे मेरे साथ. अच्छा आप क्लिनिक जाते हैं, शाइस्ता के क्लिनिक जाते हैं? हाँ भाई उठो. हाँ एक तस्वीर अभी चल रही थी, वो मेरी क्लिनिक की थी. अच्छा मैं जाता हूँ. अच्छा तो वो कभी आपको नहीं बोला चले अब मैं आपके ये कर दूं? नहीं नहीं चले पहले पहुंच जाते हैं इनके पास. अच्छा, कह रहे पहले. हाँ, तो पील मिल मैं करती हूँ. हाँ, हाँ, ये जो पठानी लाल सेब है ना तो ये पील विल मेरा ही की. अरे भाई ठीक है तुम्हारे की है, मुझे बाहर भी जाना है. अच्छा बड़े दिन हुए हैं, मतलब लाइक कुछ साल पहले की बात है. अब्बू ने कहा भाई मैं ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ. मैं आके ना, याद है अब्बू आपको? नहीं जापान में था मैं. हाँ जापान में थे. मैं टोक्यो में था तो मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, उसने बुलाया था मुझे. मुझे कहा कादम साहब मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ. हाँ. आपका वो ये सब बाल जो ये. अच्छा बंद कर. तो ठीक मैंने कहा अच्छा ठहर जाओ मैं अपने बच्चों से. तो फिर मैंने वहाँ से फोन उसने करवाया मुझे. अच्छा लड़के से पूछते तो वो कह देता बेटा कि करा ले. उस वक्त नहीं था ये. लड़की कभी नहीं करवाएगी. मैंने खुद नहीं करवाई. तीनों पीछे पड़ गए. नहीं तो इन्होंने जवाब क्या दिया तो कहने लगी पापा फिर ऐसा कीजिए वहीं रह लीजिए आप. ये कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? बहुत साल. ये शादी भी नहीं हुई थी. 90 अर्ली 90s की. ये शुरू से 93-94 की. ठीक है यानी आपको थ्रेट पड़ गया वहीं. आपको थ्रेट किया गया. थ्रेट ऐसा वैसा मैंने फट टोपी तो नहीं यार मैं यूं मैंने भाई बहन दे मुझे नहीं. कह लेगा सर $1,000 ले रहा था उसको. वो कह लेगा मैं दूंगा. मैंने कहा भाई तू $1,000 रख अपने पास, मुझे घर जाना है. वो घर में नहीं घुसने देंगे. हमारे मैंने तो कभी नहीं, मैंने जान बूझ के मैंने कोई जरूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की. आपको आप बहुत अच्छे लगते ही हुई. वही तो क्यों ट्रांसप्लांट कर. ये जुल्म हुआ ना, ये जुल्म हुआ ना हमारे साथ. तो ये चक्कर तो ये हुआ. अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज पे शाइस्ता ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई हो? हाँ सिगरेट. जब मुझे हार्ट, मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो उसके बाद से इसने अपनी कस्में भी दी कि आप कभी नहीं. और बाकी मैंने फिर छोड़ दी. इमोशनल हत्याचार. लेकिन मैंने तो जितनी सिगरेट मैं पीता था ना आप भी पीते होंगे. मैं 60 सिगरेट एक दिन में पीता. अल्लाह अकबर. 3-20 भी क्योंकि शूटिंग भी होता था. बस एक जलाई एक बुझाई एक जलाई. चेन स्मोकिंग. चेन स्मोकिंग. और मैंने फिर एक दिन में छोड़ी थी. अच्छा मैंने भी एक ही दिन. मैंने भी एक ही दिन छोड़ी थी. मैंने वो मैंने जिस दिन इसने भी कहा और मेरे डॉक्टर ने भी कहा और इसकी आंखों में अजीब सी वो मैंने देखी कैफियत तो मैंने कहा नहीं यार अब बस हो गई. अब मैंने उसे उठा के मैंने कहा बेटा आज के बाद. अच्छा, आपने कैसे छोड़ी? मैं रात को मैं गया एक एक साहब ये जो लीडर हैं इनके फ्लैट. नहीं अब्बू आपने छोड़ी थी जब फैसल नदीम का इंतकाल. नहीं नहीं बेटा मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें टाइम वो जगह बता रहा हूँ. उनके यहाँ मैं गया खाने पे ओपनिंग की. ओके हाँ हाँ याद. तो मुझे फील हुआ चलते 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 मैं यूं टेढ़ा मैं सड़क पे चल रहे थे मैं लॉन में निकल गया. मैं वापस अब्बू की अलाइनमेंट हिल गई मतलब डिसबैलेंस हो गया. पागल अलाइनमेंट. मैंने हाँ मैंने उनसे जो साहब मुझे लेके गए थे अपनी मैं तो मसला है वो फौरन मुझे गाड़ी के अस्पताल में कहने मुझे घर ले चले. मेरे घर पे मेरी बहन आई हुई थी अमेरिका से डॉक्टर है तो वो जमाने में बड़ी एक्टिव थी. हम तो खैर रिटायर हो गई हैं वो जी. तो मैंने जाके बताया मैंने कहा सुबह मुझे आप अस्पताल ले चले. लियाकत भी रह चुकी हैं वो कहीं वाई सुबह जल्दी जन. मैंने कहा ये हुआ है तो सवेरा भाग के फीता ले आई इंची टेप लंबा और कहने लगे चलो इस पर. अब मैं चलूँ तो वो यूँ निकल जाऊँ. नहीं लेफ्ट को जा रहा था ये निकल गया स्ट्रेट नहीं चल पा स्ट्रेट. फिर दोबारा निकल गया उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो चलो लेकर. उसी वक्त ले गए नेक्स्ट डे. उस वक्त जो ट्रीटमेंट वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे आज वो डॉक्टर ने मेरे समझो सिगरेट चढ़वाया. एक डॉक्टर साहब आए उनका नाम था डॉक्टर आसिम आज भी याद है मुझे. सऊदी अरब के ले गए देखते रहे देख रहे हैं 37 को लगा के 9-10 बजे. कहने लगे स्मोकिंग करते हैं? मैंने कहा भाई बड़ी भी आवाज में. मैंने कहा जी. चले कितने दिन भर पी लेते हो? मैंने कहा 60.
उसको जैसे करंट लग गया 440 का, उछल के डॉक्टर वो गया और उससे कहने लगा अटेंडेंट से, ये कत्ल का केस मुझे थमा दिया तुम, ये तो अपने आप को मार रहे हैं, ये ही विल बी नो मोर इन सब डे। और वो जनाब सर वो ये हो गया वो हो गया फलाना, वो छोड़ के चले गए मुझे, डॉक्टर ने देखा ही नहीं मुझे। एंड दैट वाज द डे मेरे अब कितने साल हो गए सिगरेट छोड़े हुए? मुझे तो 12-14 साल हो गए। मतलब ये माइंड नहीं करते थे बच्चे, माइंड नहीं, बच्चे छोटे छोटे इतना नहीं किया, या घर में पीते नहीं थे आप? मैं घर में कम पीता था, घर में होते कम थे ना भाई, होते अबू ने हमें एक एज में अबू ने हमें ऐसे देखा है, हम सो रहे हम इतने से बताए बकायदा बोलते हैं कि फिर मैंने तुम लोगों को ऐसे बात संडे वाले अंकल, संडे वाले अंकल मम्मी से मिलने कभी कभी संडे वाले अंकल आए, लेकिन जाते दफ्तर ही थे, जस्टिफिकेशन नहीं दे, हम नहीं पूछ रहे थे, बीवी भी वहीं होती थी ना, उसको पता है रिकॉर्डिंग में गए। अच्छा यहाँ तो ये था ना, लेकिन बीवी भी कभी भी बीवी से तो अच्छा करना कोई आसान है, यहाँ तो पता ही नहीं होता था। अच्छा जैसे होता था ना कभी कभार अम्माएं बच्चों को अपनी तरफ कर लेती हैं, तो माय अम्मी शक्की मिजाज थी, तुम लोग तुमने कब क्या, अरे ऐसी वैसी हम तो, मैं तो हमेशा अम्मा के साथ, अम्मा का साथ वाला बच्चा, हालांकि हमदर्दी अब्बा से हो रही होती थी, प्यार ये मुझसे ज्यादा करती है। हाँ। लेकिन जाहिर है बाप बेटी का रिश्ता तो कुछ और, ट्रांसप्लांट क्यों नहीं होने दिया मैंने? देखो यार तुम लोगों के चेहरे करती हूँ, मैंने आपका बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं कराने। अच्छा अम्मी अब्बू की लड़ाई में शाइस्ता अम्मी के साइड और अम्मी अब्बू की लड़ाई में मैं अम्मी की साइड, ये लड़कियां होती है अम्मी की साइड। अच्छा जो दूसरी वाली है सेना वो कभी कभार आपकी साइड। अच्छा और सवेरा, सवेरा जो है ना वो मुझे समझाती थी, वो रेफरी है, सवेरा जो है वो रेफरी है। अच्छा ये बताओ कि लड़ाई झगड़ा हो गया फिर बच्चे सुलह करा देते हैं और ये कितना रोल प्ले करती है? बहुत 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 बच्चों। और आपके बच्चों में सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले करता है? लड़ाई करवाते साहिर भाई हमारे यहाँ। साहिर लड़ाई करवाता है, साहिर भाई लड़ाई करवाते हैं और साहिर और ये फिर हमारा पैचिंग कराते हैं। नहीं लेकिन साहिर भाई तो मतलब वो होता है ना कि छोटी सी बात कर दी और पता है कि अब तो इन दोनों ने लड़ना है, फिर बैठ के हंसते हैं शुरू हो गए। अच्छा कभी आप पूरी फैमिली मिलकर कहीं ट्रैवलिंग करने गए, घूमने गए पूरा, मतलब जैसे ये लोग जब की शादियां नहीं, बहुत ट्रैवलिंग की नहीं, शादी के बाद नहीं, जैसे जब ये शादी से पहले, शादी से पहले समर वगैरह पाकिस्तान थे, पाकिस्तान शौक था तुम लोगों को सबको, सारे बहन भाई मिलके गए, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं की। लेकिन क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को, पता नहीं इनको कैसा लगेगा जी बताना, लेकिन मैंने अपने माँ बाप का यही देखा निदा कि ऑब्वियसली हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे चीज़ें हो रही हैं और कोई बहुत ऐसे आलम नहीं थे, ज़ाहिर मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे आज तक याद है कि मेरी अम्मा कभी अगर जाने का जिक्र भी करती थी तो वो फिर दोबारा ये जिक्र आता था अभी तो उसकी फीस लेनी है, अभी तो ये करना है। तो मैं उस तरह मेरी तरबियत हुई कि मैं बस सोचती थी कि बस मैं कुछ हो जाए, अल्लाह मियाँ मुझे कुछ कर दे तो मैं अपने माँ बाप को ट्रैवल कराऊंगी। क्योंकि मेरे माँ बाप ने, जब तक आप यकीन करें, मेरी शादी नहीं हुई वो मुल्क से बाहर नहीं गए थे, नहीं मुल्क से बाहर नहीं गए थे, हज भी आपने बाद में किया ना, हाँ मुल्क से बाहर नहीं गए थे, ऐसी उस तरह की ट्रैवलिंग कभी नहीं की थी, और इवन डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में भी पैसे नहीं होते थे, तो वो जरूरियात दूसरी नहीं, नहीं, तो बिल्कुल ये क्या मिडिल क्लास का आदमी कितना तुम्हारी शादी के बाद, जैसे मेरी शादी के बाद, उसके बाद जब मैं पढ़ रही थी, जाहिर है मेरी आपको पता ही है पहला मेरी शादी उस वक्त इस तरह से हुई और वो अनफॉर्चुनेट सारा सीन, तो उस सारे के बाद जब मैं निकल आई और मैं बन गई और मैं आगे पढ़ना शुरू किया और फिर मीडिया में भी आ गई और चीजें, उस वक्त जब मैंने हाथों में चीजें आने लगी फिर इन लोगों ने ट्रैवलिंग, फिर तो हमने बहुत काफी जगह गए हम लोग, लेकिन ये सारी उसी का है कि और अब भी चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, एंजॉय करते हैं। इनको मैंने और बीवी ने हर एज के ऊपर ट्रैवल कराया है, इससे जब भी पैसे बचा के, दो दिन की छुट्टी नहीं होती कहीं, चावल के पैसे बचा के जमा करके ट्रैवल करा, बहुत ट्रैवलिंग में बंदा बहुत सीखता है, बच्चे बहुत सीखते हैं, बड़े भी हो गए
आप दोनों मियां बीवी को शौक होगा जब भी लेके जाओ। वाइफ को बहुत शौक। और हम कम पैसों में भी जो है ना वो कर लेते थे, अच्छा स्टेशन पे सो जाते थे, कम पैसों में भी हम इस तरह प्लेटफॉर्म पे सो गए। अच्छा ये भी बड़े यादगार दिन होते हैं, बहुत ये ना भूलने वाले दिन होते हैं, याद रहता है ये जो मतलब ये ऐसी चीजें जब जिंदगी में आती हैं तो आदमी को फिर वो क्लिक जरूर करती हैं वो बातें। अच्छा मेरे अब्बा ना जरा वो आपको याद है हमारा, मैं आई थिंक हार्डली कोई नाइन्थ में थी, हम लोग स्वात और ये कागान वगैरह गए तो वहाँ काफी आपको पता है रोड्स इस तरह की हैं और तो मेरे अब्बा को डर लगता था। अब गाड़ी वो हमने रेंट पे जो करते थे, मेरे मामू वगैरह की फैमिली भी थी तो मेरे अब्बा बीच में बैठते थे, यहाँ मैं बैठती थी, मैं चौधरी साहब बनके के नीचे मैं देखूंगी तो खाइयां मैं ही देखूंगा अब्बा ना। हाँ ये बैठ मैं इनको यहाँ बैठाती थी, आप यहीं बैठे। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि इनके हार्ट पे कुछ असर हो कोई और इनको डर लगे। एक बात मुझे याद है आज तक ट्रेवलिंग की, ये एक फिल्म थी इंडिया की गालिबन को सिलसिला नाम था जी, उसमें फ्लावर्स दिखाए थे गानों में, दो तीन गाने जी। मेरी वाइफ को जुलगुट हो गया, डेजीज थे वो, डेजीज थे ये देख रहे हैं हॉलैंड जर्मनी तो ससुराल है मेरी, मतलब साला साली सब जर्मनी में, वहाँ से हॉलैंड। अच्छा रात को ऐसा डिसबैलेंस हुआ कि रात को प्लेटफॉर्म पे गुजारी, सुबह फिर होटल में गए, दो होटलों में रात को गए, जगह ही नहीं थी, प्लेटफॉर्म पे आ गए। आजकल तो बहुत वो है ना कि आप कंप्यूटर पे बुक करा ले, पहले तो वॉक इन जाहिर है, बड़ी सहूलत है, फूल देखने वहाँ गए थे। अच्छा अच्छा पूरा एक्चुअली हमारी अम्मी ऐसी अब्बू कहते हैं कि अगर हम यूं खड़े हो हमारी अम्मी हमारे ऊपर भी बेलें लपेट दे, इतना पौधों का शौक। आपके अब्बा को किस चीज का और अम्मा को किस चीज का शौक? अम्मा को मेरी गार्डनिंग का है और मेरी अम्मा को बड़े रंग वंग बड़े बहुत पसंद है, हर रंग के फूल उन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, फूल उनको बहुत पसंद है। अब्बा को किताबों के बारे मैं बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल कुछ साल की, तो अब मेरी मैं जो फ्रेंड्स को बताती थी तो मैं कहती थी मैंने शहाबनामा पढ़ी है, ओए होए हाँ, और वो इनसे ही, और मुझे कुदरतुल्ला शहाब कौन थे, क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और किस तरह वो, मेरा मेरी ख्याल में मेरी पहली लर्निंग थी कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, ये मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। मैं इसे हमेशा देता था, मैं खुद जब लाता था परचेज करके किताबें तो इसको देता था मैं कि बेटा ये पढ़ो। अच्छा मेरे भाई वो इश्तियाक अहमद पढ़े होते थे ना, और मैं उस जमाने में कुदरतुल्लाह शाह अब्बा की। अच्छा बताए कि बच्चों को लगता है कि कोई माँ बाप में से कोई एक जो होता है वो ज्यादा अच्छे मशवरे देता है, तो दिल की बातें शायस्ता ज्यादा अम्मी से करती है या अब्बू से करती है? हमेशा से मशवरे किससे लेते? मैं जीत गया। आप जीत गए? हाँ अब्बास। अच्छा यहाँ पे भी यही चक्कर है मेरे पास भी। अच्छा कि मैं अब्बू अम्मी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट मशवरे देती थी, छोड़ दो, जैसे यासिर से लड़ाई हुई कभी जिक्र किया तो अम्मी कहेंगी छोड़ दो आ जाओ घर ये वो। हाँ। लेकिन मतलब और मेरी अम्मा और अब्बू जो है एक और एक्सट्रीम है, ये अम्माएं होती हैं हाँ नहीं ऐसे ही जिंदा रहो। अच्छा, हाँ और अब्बू जो है वो बहुत मिडिल वाले और वो वाले मशवरे देते थे, या तो अम्मी कुछ बोलती नहीं थी हाँ। कि हाँ भाई लड़ाई वड़ी लड़ते रहो हाँ। या तो कुछ, और अब्बू जो है वो ऐसे देते थे कि संभालना कैसे सिचुएशन, तो मैं भी आई थिंक ये गई भी इस निगे भी नेचर आपसे ही इसने ली है सिचुएशन को संभालना। एक चीज जो है ना और इसका एक जेस्चर मुझे हमेशा याद रहता है, वो क्या है जब ये बहुत थकी हुई होती है परेशान होती है ये मेरे पास आके लेट जाती है मेरे बेडरूम में, पर कहती है पता नहीं यहाँ मैं लेटती हूँ मुझे नींद आने लगती है। ये अम्मी अब्बू के दोनों के साथ ऐसे ही होती है, ये सुकून का एहसास थकी हुई होती हूँ, ये सुकून का एहसास वैसे बच्चों को होता ही है, माई फील मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये होता है जैसे अभी जाहिर है बहुत बड़ी बात है, ये अब इतना बहुत बड़ी बात है, सो सोचे आम ऑडियंस के लिए ये जानना कितना, देखें एक होस्ट जो आपके पूरे दिन को अच्छा बनाती है क्योंकि वो मॉर्निंग शो करेगी और बड़ी चैटरी है और बड़ी मतलब, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो लो होती है और वो फिर अपने बाप के बेड पे जाके सो जाती है क्योंकि उसको वहाँ सुकून मिलता है, हालांकि दुनिया की हर चीज़ हर नेमत मौजूद है लेकिन ये सुकून आपको कहीं नहीं मिलता।
शाहिद साहब ये सुकून सिर्फ बाप के बेड पे जो जो नमाजें हम पढ़ते हैं उसमें ये दुआ एक मेरी दुआएं सबके बतानी नहीं चाहिए बच्चों के लिए तो बंदा करता ही है लेकिन मैं पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे जादूगर की जान तोते में होती है वैसा ऐसा लगता है जैसे मेरी जान मेरे माँ बाप में है और मैं हर वक्त ये दुआ करती हूँ इनको लंबी उम्र मिले सेहत के साथ क्योंकि इनके बगैर तो लगता है कि एक कदम भी नहीं हिला जाएगा। मैं 4-5 दिन पहले मैं वही जिस नाश्ते की बात करी थी तो मैं उस पर रो रही थी बहुत हालांकि मैं अब्बा के साथ बैठी हूँ मैं सिर्फ बोल रही थी कि मैं सोचती हूँ कि मेरा फ़ोन बजता है ना तो मुख्तलिफ काम होते हैं घर में ये करना है ये करना है ये करना है पेशेंट्स ये हैं वो ब्रांच में ये हो रहा है फलां फलां लेकिन जब पापा का आता है तो मुझे पता है कि वो पूछेंगे तुम ठीक हो तुमने खाना खाया है वो कराची में सुना है फला जगह पे ये हो रहा है तुम कौन से एरिया में हो। अच्छा मैं मुझे डर लगता है कि यार ये कॉल मेरे पास सच बात बता रहा हूँ आपको इसकी जब मैं इसे फोन करता हूँ इसकी पहली आवाज से मैं पहचान लेता हूँ कि ये किस कंडीशन में है इसका जहन क्या है इस वक्त थकी भी है नहीं हुई है और मुझे फिर फौरन मुझे कहता है ये मुझे कहती है ना ठीक हूँ मैंने कहा नहीं तुम ठीक नहीं हो कोई बात है जो मुझे तुम छुपा रही। ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और अल्लाह करे आप लोग सेहत मंदी के साथ हमारे सरों पर सलामत रहें आमीन। छोटे से वक्फा वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जज्बाती हो गए वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक एक्टिविटी जो हम अपने अब्बाओं के साथ करने वाले हैं उससे पहले भाई मेरे पास बहुत SMS आ रहे हैं शाइस्ता और सब ये सवाल करें कि भाई शाइस्ता से पहले ये पूछें कि वो उसकी स्किन केयर रूटीन क्या है उसकी स्किन कैसे अच्छी है वो क्या लगाती है वो प्रोडक्ट्स हमें दिखाएं। अब तो वो प्रोडक्ट्स तो जाहिर है वो ऑब्वियसली घर पे होती हैं या लेकिन मैं तो बहुत दफ़ा मैं तो आई थिंक अपने इंस्टा पे भी बताती रहती हूँ लोगों को कि क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। अब देखो एक तो हेरिडिटरी होती है अम्मा की तरफ से हमें अच्छी स्किन मिली है और दूसरे फिर आपके टैक्स होते हैं कि आप किस तरह से उसकी केयर करते हैं क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। हाँ तुम अपनी प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हो? मैं अपनी प्रोडक्ट देखो जैसे SL बेसिक्स की मैं इस वक्त जैसे मैंने BB ब्लॉक लगाया हुआ है अब मैं मोस्टली स्क्रीन पर भी देखो चाहे मैं कहीं भी किसी वक्त भी आऊँ BB ब्लॉक क्या है BB ब्लॉक क्या है पता नहीं मैं एक दिखा भी सकती हूँ वैसे कि मैं आपके लिए लाई थी SL बेसिक्स का SL बेसिक्स यस जबरदस्त इसमें BB ब्लॉक भी है निकाल के दिखा दो लोगों हाँ, नहीं मैं आपके पास है बैग मैं अपना लेकिन इस्तेमाल किया हुआ होगा गंदी ना हो बॉटल तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ इसमें जैसे नॉर्मली जब तुम क्लिनिक में भी मुझे नजर आती हो तो नो मेकअप लोग ये वाला ये चीज है मैं इसको इसके साथ यूज कर लेती हूँ गोल्डन पर्ल सीरम के साथ इसके 2 या 3 ड्रॉप। अच्छा ये सीरम ग्लो जो कहते हैं ना ग्लो ये बेसिकली वही ग्लो है तो ये गोल्डन पर्ल सीरम SL बेसिक्स का ये और ये है ये 3-4 ड्रॉप मिला लो इसमें BB ब्लॉक में 50 SPF भी है इसमें। इसमें ये होता है ना कि आजकल मौसम ऐसा है हाइड्रेशन भी नहीं है खुश्क हो जाती है जब आपने बेस लगाया फट रही है लकीरें आ रही हैं मेरी देखो इवन होती है ये इसी की वजह उसकी रीजन ये है कि इसमें हाइड्रेशन भी है इसमें साथ में मॉइस्चराइजर इसको खरीदने के बाद फिर आपको मॉइस्चराइजर अलग से नहीं खरीदना यही दिया ना तुमने मुझे हाँ यही बिल्कुल लगा के देखती हूं बिल्कुल देखना और कोई SL बेसिक्स में कोई टेंट या कोई ऐसी चीज अभी इंट्रोड्यूस की है? मैं लिप टेंट और मैं लिप टेंट ही को यहाँ लगा लेती हूँ जो लोग मुझे कहते हैं आप बड़ी बेसिक्स में है हाँ बिल्कुल SL बेसिक्स में 2 शेड्स हैं मैं तो रेड रश लगाती हूँ लेकिन लड़कियाँ बहुत मैं रेड रश लगाती हूँ क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्शन पे वो जाता है वरना 2 पिंक भी है अच्छा पिंक पॉप और रेड रश वो भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर मंगाना हो तो जरूर। हाँ जी अब्बास आप लोग रेडी हैं? अब होगा ये कि कुछ चीजें हमने बताई हुई हैं आप लोगों को और वो यहाँ पे नजर नहीं कुछ चीजें आपने बताई हुई हैं और हमें उससे रिलेटेड कोई किस्सा या जो भी है वो चीज़ बतानी है और कुछ चीज़ें हमने बताई हुई हैं तो फिर हम यहाँ कपड़ा लगा देंगे और फिर हम आपको हिंट्स देंगे फिर आप और फिर आपने पूछनी होगी हमसे चीज़ें और आपने बूझनी होगी सॉरी वो चीज़ जो हम कोशिश करते हैं भाई बड़ा पाया दोनों का भाई। हाँ ये मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ कहें हम लोग बूढ़े लोग कह के मुकर जाने वाले नहीं हैं लेकिन फिर अगर भूल गए तो फिर आप माफ कर देना पॉइंट काट लेना बस हाँ पॉइंट काट लेना। अच्छा अब हम दोनों को बूझना है तो ये पहला किसका दिखा रहे हैं? अच्छा पहले पप्पा का दिखा रहे हैं ठीक है पप्पा आपने मुझे वो जो चीज आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे उसके लिए हिंट्स देनी है वो चीज का नाम नहीं बताना है। अच्छा ये ना गेम ही खराब कर दे इन लोगों को ये कुछ ना समझ में आएगा नहीं नहीं नाम नहीं कसौटी समझे ठीक है जैसे ये जो पीछे चीज नजर आ रही है स्क्रीन पे आ गई ये चीज नजर कोई
नहीं अभी आएगी ना तो उसके बारे में कितने हिंट देने हैं? कितने? तीन? दो से तीन, दो से तीन हिंट दें। इसको पूछना होगा कि ये पीछे चीज जो दिखा रहे हैं वो है क्या। अच्छा अब वो जो आ रही है चीज स्क्रीन पे हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, आप बताएं उसकी हिंट कोई दें पहली। ये तो ऐसी चीज आ रही है कि मुझे भी नहीं पता क्या चीज आ रही है। मैंने कहा था इनको पहले से पढ़ा दो, ये लोग नहीं देखो इस उम्र में हर चीज जाती है। आपको नजर आ रही है कि क्या है? मुझे आएगा केले के छिलके लग रहे हैं मुझे। अच्छा आप खड़े होके करीब से देखें, करीब से जाएं ताकि आपकी नजर कमजोर है, नजर नहीं आ रही है। मेरे फुल नजर आ रहा है केले के छिलके हैं, कोई कोई मुझे वाजे चीज नहीं महसूस हो रही है। भाई एक मिनट जरा कान में जाके बता दो अब्बू के। चलो एक मिनट, मेरे टीम का मेंबर आ रहा है, अगर उनको नजर नहीं आ रही जाओ कान में जाके बता दो क्या चीज है। दो दो खड़े कर दें आप, मेरे भी कान में बताएं। अरे या अल्लाह ये क्या किया, फरिश्ते हमारे पास तैनात करते बताओ। एक फरिश्ता इधर एक फरिश्ता इधर कह सकता है कि अच्छा चले। हाँ क्या है, क्या चीज है ये? मेरे मुझे शौक है इसका, रीडिंग का। अच्छा अब रीडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, ये एक चीज ये भी है। तो ये अच्छा हमारे शादी से पहले से बचपन से हमने आपको ये जो चीज है जी इसको पढ़ते हुए देखा है जी। कोई खास किताब? अच्छा क्या वो तो नहीं है जो सुबह सुबह आप जी अखबार? अखबार आज के जमाने में भी हम कहते सही। अब देखो अखबार लग रहा है, अखबार क्या है ये, कौन सा कहीं से अखबार लग रहा है ये? चलो तो अपनी टीम की अब शामत लाना किसी तौर पे बता दो मुझे। ये तो देखिए ना आप मॉर्निंग शो होस्ट के अब्बा हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर सकते ना। अखबार नहीं आता क्या? तो यार अखबार नाम डालो नीचे का तो दिखा दो कि ये अखबार आ रहा है। अच्छा भाई लोगों को भी नहीं वैसे मुझे भी नहीं समझ आई पीछे मुड़ के कि लग रहा है या तो कभी मैंने सोचा ककड़ियां हैं, मुझे तो ये लग रहा था कि मछलियां हैं। देखो भाई कौन मैंने समझा मछलियां हैं, एक को ककड़ी एक को मछली भाई। ओके आप किसकी बारी है? अभी अब्बू की बारी चल रही है, मेरी बारी चल रही है। हां चल हिंट दें, समझ आ रही है क्या चीज? अब दूसरी तस्वीर देखें। बिल्कुल ऐसी वैसी। अच्छा आप बताएं हिंट दें। मेरी फेवरेट है खाने में खिचड़ी, चावल दावल वाली चीजें या कोई सब्जी है? मतलब लाइक थोड़ा सा एक और हिंट देना। मैं अगर बता दूंगा तो फिर नहीं आप हिंट दें। कोई ग्रेन है? नहीं सब्जी नहीं है। अच्छा सब्जी तो नहीं। सब्जी नहीं है तो कोई ग्रेन है? ग्रेन मतलब लाइक ये दाल चावल? दाल चावल। ओके रोज खाते हैं, दूसरा खाना छोड़ कर भी आ जाते हैं शादियों का ये खाने के? दिस इज माय फेवरेट। खिचड़ी दाल चावल? दाल चावल मतलब वही चावल कह दिया तुमने। हां वो सही है, सही है। ओके डन है। नेक्स्ट 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 तस्वीर। ओ ये भी जब तुम मेरे पास आती हो सिर्फ बेडरूम में जब तुम आके और मुझे कहती हो मुझे नींद आने लगी है ये उस लम्हे की चीज है ये। क्या उस लम्हे की चीज़? स्लीपिंग पिल्स। मैं भी लेटा होता हूँ तुम भी यहाँ लेटे हो मेरे से तो आप मेरे साथ सर में हाथ फेरते हैं। नहीं तो ये तस्वीर कैसी आएगी हाथ फेर देंगे? नहीं बाल की आ सकती है। अच्छा मतलब नहीं आप जब आप सोते हैं तो आपके लिए जरूरी है या ये मेरे लिए जरूरी है? ये सबके लिए जरूरी है। नहीं नहीं मतलब कि आप जब मेरे साथ लेटते हैं तो आपके लिए ये जरूरी है? ये सबके लिए। जैसे जब मैं सोती हूँ मेरी एक खास चीज है कि मैं पतला बिल्कुल तकिया रहती हूँ और आप जब सोते हैं तो आपको ज्यादा तकिए दो तकिए चाहिए होते डबल दो तकिए। ये सारे अब्बाओं के साथ ये क्यों होता है? दो तकिए मेरे अब्बा भी दो तकिए हैं। दो क्या मैं तो तीन तीन लगा लेता हूँ और मैं तो बिल्कुल पतला सा तकिया लेके सोती हूँ। दो तकिए तुम जैसे ही पहुंची। हाँ ओके जी अगली दिखाए। आगे समझ आ रही है कि क्या है? बुलाऊ कान ये भी पता नहीं। मैं जाओ 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 उधर जाओ। डिस्कस नहीं हुआ था ये। क्या नजर आ रहा है? पता नहीं तस्वीरें हैं है? तो हमने मॉर्निंग शो कर लिया। गैस के साथ इतनी मुश्किल है आज ना देते हमने बाहर बेचारे नहीं है सादे। अच्छा देखो मैं बताऊं कि इन्होंने एक तस्वीर लगा दी है। जो सवाल मेरा था ना उस पे इन्होंने डिफरेंट तस्वीरें लगानी चाहिए थी, इस पे वो जवाब बनता। ब्रेक वो देके लाइन चार पांच तस्वीरें बनाते। अच्छा अब्बू को नजर नहीं आ रहा। अब्बू ये तस्वीर अलग है, ये तस्वीर अलग है, ये अलग नहीं, नहीं मुझे तो एक लग रही है। हम सब लाइन से बैठे चार अलग अलग
लगता I'm sorry, हाँ, अब नजर आएगा मैं कोई एक सभ्य बैठा हूँ मैं हालांकि चश्मा लगाया भाई आपने हाँ नहीं नजर आ रहा है मुझे बट वो लाइन नजर नहीं आ रही है आपको तस्वीरें जमा करने का शौक है इसलिए लगाई हाँ तस्वीरें जमा करने का शौक है ओके जी और भी कुछ है ओके लास्ट है हाँ ये तो अब आपने बिल्कुल सही करना है मुझे खाने में ये चीज पसंद नहीं है मतलब दिस इज नॉट डायरेक्ट फूड खाना इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल होती है आपको बहुत ज्यादा ऑयली खाने नहीं पसंद बहुत तेल नहीं पसंद है ओके जी अब आ गई शायस्ता की बात हाँ मतलब शायस्ता के अब्बू की बारी बुझवाने के लिए बुझेगी तो शायस्ता ही ना हाँ जी पहली तस्वीर आ गई जी जी ओके हिंट कुछ हिंट दें शायस्ता कभी कभी मुझे लाके भी देती होती वो तो बहुत कुछ लाके देती है कब अच्छा किस वक्त पढ़ने की कोई चीज है खाने पीने में उसकी खास बात क्या है मतलब के क्यों लाके देती है आपको वो मुझे पसंद है इसलिए लाके देती है कभी कभी अच्छा। ये क्लिनिक से आती है ना तो अपने ड्राइवर के साथ भेजती है कि ये पापा को यस बिल्कुल सही जवाब मेरे अब्बा को कॉफी बहुत पसंद है कॉफी ओके जी नेक्स्ट पिक्चर हाँ जी अब नेक्स्ट पिक्चर के बारे में क्या हिंट्स हैं आपकी दुकानों पे मिलता है और अक्सर अक्सर बेशतर मैं लेके भी आता हूँ घर पे हाँ और वो ये कोई ऐसी आदत है जो आपसे इसमें आई है मुझसे मीठा देखा मैंने ओके नेक्स्ट सवाल जी इस सब्जेक्ट पे तो अभी बात हुई थी किताबें जबरदस्त नेक्स्ट पिक्चर जी जी जो मुझे पसंद है आपको पसंद है खाने में या मुझे पसंद है आपको पसंद है मुझे पसंद खाने में तुम्हें भी पसंद है खाने में तुम्हें भी पसंद है खाने में मुझे भी घर में बन रहे होते हैं और ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बन रहे होते हैं और ये आपके और मेरे अब्बू की कॉमन पसंद है तो बस दाल चावल यस 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 हो गए पांच सवाल लास्ट जो मुझे ना पसंद है जो आपको ना पसंद है ना पसंद है मैं नहीं खाता बहुत कम कभी बड़ी मजबूरी के तहत और जो तुम्हें भी ना पसंद है दोनों मुझे निहारी मुझे निहारी बिल्कुल नहीं पसंद एग्जैक्टली वाह वाह निहारी नहीं पसंद ओह माय गॉड वाह जबरदस्त वाह अच्छा जी अब हमारी बारी है इसको कपड़ा लगाएं और वहां से कपड़ा उठाएं और यही चीज चलो जल्दी से करो यही चीज एग्जैक्टली जो इन्होंने की है वो हाँ। अब हम कर चले अब हम हिंट देंगे आपको बुझवाएंगे ठीक है ओके अच्छा मेरी बारी है जो पहली तस्वीर है उसको आपने बुझना है जब हम पहली दफा यूरोप जा रहे थे और मैं जहाज में सो गई थी तो आपने जब मैं उठी सो के आपने कहा पहाड़ थे उस चीज के तुमने रस्ते में मिस कर दी मुझे सबने मिलके पूरी फैमिली ने उल्लू बनाया था उस चीज के पहाड़ थे वो चीज मेरी बहुत फेवरेट है याद आई आपको बूझ लिया उन्होंने बूझ लिया क्या हाँ था कोई चीज मीठी चीज है और मीठी चीज है जो मैं आज तक बहुत शौक से खाती हूँ और इतनी भी क्रेजी थी कि आपने कहा तुमने मिस कर दी उस चीज के पहाड़ थे हलवा तो नहीं थे नहीं नहीं हलवा के पहाड़ जो मैं फ्रिज से चोरी करके खाया करती थी फ्रिज से चोरी करती थी अम्मी फिर कहती थी मैं एक बाबा थे मैं उनके पास गई थी तुमने सवेरा के हिस्से की भी खा ली और फिर दांत भी खराब हो जाते हैं उससे कीड़ा बिल्कुल ये बिल्कुल चॉकलेट सही बाकी भूल गए ओके जी दूसरी चीज क्या है ये हाँ आपने अभी हिंट दिया था मैं आपको हिंट ये दे रही हूँ आपने यही कहा था कि आपको मेरी आदत बहुत बुरी लगती है कि मैं जो कमरे में बहुत सारी चीजें फैली हुई होती हैं और मैं वो बहुत बनाती हूँ वो मेरी रोज की जरूरत है वो चीज है आपके कमीज कपड़े चलो यार ये अच्छा हो गया ना शो के होस्ट हंस रही हैं होस्ट हंस रही हैं दोनों क्यों दे ओके नेक्स्ट ओके एक ऐसी चीज जो आप
मुझसे इस बात पर बहुत चिढ़ते थे और ये आप मुझे करने नहीं देते थे, फिर मैं आपको, आप मुझे लेटर लिखते थे, मैं आपको लेटर लिखती थी, पप्पा प्लीज आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे दांत में दर्द है, और आप फिर मुझे लेटर लिखते थे कि बेटा मैं चाहता हूँ तुम बड़े आदमी बनो, तुम लोग आप एक चीज थी जो नहीं करने देते थे, पेट में दर्द है बस, पेट में दर्द है, छुट्टी, छुट्टी छुट्टी स्कूल की छुट्टी नहीं करने देते थे। ओके, एक चीज का मुझे बचपन से शौक था और शायद पूरे घर में सबसे ज्यादा ये चीज मेरे साथ हुई है। ओके, 21 साल तक तो मैं हर साल रेगुलरली इस चीज को, अब बोल भी नहीं सकती, मैं मनाती रही हूँ। उसके बाद यासिर ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि बस कर दो, बड़ी हो गई हो, एनिवर्सरी नहीं नहीं अचानक के साल तक 21 साल तक मैं एनिवर्सरी 21 साल तक मैं आपके घर में वो मनाती रही हूँ, आप भी चिढ़ते थे वो, अच्छा। और यासिर भी चिढ़ता था उस चीज से, फिर शादी हो गई तो फिर मियां चिढ़ने लगे, 21 साल में यासिर कहां से आ गया? 21 साल तक, बचपन से लेकर 21 साल तक आप चिढ़े होते थे, ये क्या है बर्थडे? बिल्कुल ये एनिवर्सरी बर्थडे यूं कर लो। ओके, हाँ, जिस चीज का मैंने जिक्र किया कि और शायस्ता भी पूछ रही थी आपसे सवाल, आपको और अम्मी को भी बहुत शौक है, और चाहे हमारे पास इतने पैसे हों या इतने हों, हम उसी में अपने बजट के मुताबिक कर लेते हैं, बजट के मुताबिक। और वही शौक मेरे अंदर भी आया, जो कहती है दो दिन भी होते हैं तो मैं भाग जाती हूँ ट्रैवलिंग। एग्जैक्टली, ये देखिए सही है भाई, ऐसी तो नहीं है होस्ट। ओके, अब आपकी टर्न है। हाँ जी, चले जी। हाँ, अच्छा, एक वो चीज़ जिसका मुझे बचपन से लेके आज तक शौक है और आप मुझे हर रोज़ मनाते भी थे इस बहाने और दुकान पे ले जाया करते थे कि ये ले लो। हम रहते एक बहुत ही मिडिल क्लास जगह पे थे, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, और हम जाते उस दुकान के लिए एक बड़ी पॉश सी जगह पे थे चीज़ें लेने हर शाम। डेकोरेशन नहीं, बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी जब मैं, आप दूध लेने भी जाते थे उस मार्केट से, आप दूध और ब्रेड लेते थे और मुझे लेके जाते थे कुछ टॉफी। टॉफी नहीं, पढ़ने लिखने से ताल्लुक है उन चीजों का। मैगजीन बहुत आम जमा करा, मैं जमा करती थी, मुझे लेने का शौक था, इस रंग की भी और पढ़ने लिखने से ताल्लुक है उस चीज का, याद है? ओ, पेन, पेन मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हाँ, अच्छा, खाने की चीज है और मुझे बहुत पसंद है, और अब चूंकि मुझे खाने का टाइम नहीं मिल पाता है तो अक्सर जब मैं घर पे आती हूँ तो पता चलता है कि जब वो सीज़न है तो आप लेकर आते हैं, और मैं उसे हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ, गलत बोलती हूँ। फल से ये क्या बोलती है, क्या बोलती हो तुम, पूछो क्या बोलती है ये, इनसे पूछो, इनके मुंह से भी अच्छा लगेगा। फासले हाँ भाई, फासले आ गए, फासले दे दिए। इसे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद। अच्छा, मैं जब भी मतलब जाता हूँ या ग्रोसरी शॉपिंग या ग्रोसरी के लिए या कभी, तो इसकी इससे पूछता हूँ फोन पे कि बेटा ये चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, कल मैं एक सेट पे, ड्रामे की आजकल मैं शूट कर रही हूँ और मैं एक सेट पे, हाँ, अब फल की दुकान से कॉल आ रही है, सुनो अब मैं फल कौन सा लाऊं तुम्हारे लिए? पापा अभी हैं, तीन दिन पहले आए थे तो वो, तुमने चार दर्जन किनू नहीं खा सकी तुम तीन दिन में? अब मैं, पापा बहुत थे, अभी तक जूस निकल रहा है उसका और अभी बच्चे भी पी रहे हैं, और ये नहीं, फिर मैं ऐसा करता हूँ दो दर्जन किनू ले लेता हूँ, और ये फ्रूट लाने की, फ्रूट लाने का बहुत शौक है। मैं मतलब जाता हूँ तो अपनी बेटी से जरूर पूछता हूँ कि बेटा आप क्या खा लाऊं, जैसे ये फल से लाते हैं मुझे क्या पसंद है, आम ना फल नहीं, हम तो शलजम का अचार, तो क्या मूंगफली, मूंगफली में तो मेरे उस्ताद कहते हैं अबे तू इबादत की तरह खाता है जैसे इबादत करते हैं। हमारे एक सेशन होता था जब मूंगफली का जमाना आता था, अखबार फैला के हम सब लिहाफ में घुसते, मेरे और... यही जमाना है, सर्दियों में ये जमाना है, मैं अभी भी ढूंढ जाऊँ अच्छी गांग रही है और अच्छी भुनी भी, कच्ची भी दे देता है पठान। नेक्स्ट पिक्चर आ गई,
जो मेरे कमरे में चारों तरफ होती हैं, डेकोरेशन पीसेस और व्हाइट रंग के खास तौर पे। नहीं, वो नहीं, आपको भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है। किताबें, किताबें, यस यस किताबें। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओके, हाँ अच्छा, वैसे तो मैं खास ही खुद गोश्त खोर हूँ, लेकिन ये नहीं खाती। तो एक ऐसी चीज जो मैं नहीं खाती है मीट, लेकिन वो मैं नहीं बड़े का गोश्त। ओके, दोनों नहीं खाती मीट। हाँ, बीफ, हाँ, बीफ दोनों। अच्छा, आप भी यूज नहीं करती? नहीं, मैं बीफ जम, हम बगैर पित्ते की खातून है। मैं गॉल ब्लैडर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से नहीं, मैं पहले से ही। अच्छा। किसी ने कह दिया, डॉक्टर ने कहा था, क्या सही है कि नहीं, कि दाने निकलते हैं उसकी वजह से। सवेरा और ये दोनों, हमारा खाना ही बदल गया है। जब ये लोग आए, हम गोश्त वोश नहीं पका सकते, वेजिटेरियन। अच्छा, चिकन पकाते हैं, वेजिटेशन वेजिटेरियन पकाते हैं। हाँ, वेजिटेरियन। ओके जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे अब्बाओं से आपकी बातें, इनकी बातें आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मतलब कि आप देखिए, हम मॉर्निंग शो होस्ट सिर्फ आप लोगों से, यानी सेलिब्रिटीज से ही एक्टिविटीज नहीं कराती, अपने अब्बाओं को भी नहीं छोड़ती। ये भी होना था, ये भी होना था। और अब हम दोबारा यही करने वाले हैं, शाइस्ता और मैं अपने अपने अब्बाओं के आगे आमने सामने होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे जरा अपने लिए एक सवाल करना है। हाँ, यार, अभी फिल्म की शूटिंग हो रही है ना हमारे, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चक्कर। यस, आजकल तुम लोगों के दोनों के भी बहुत चक्कर आए हुए हैं। तो अभी हम शूट करने, जरा पूरी होगी तुम्हारी मूवी माशाल्लाह से, बस एक गाना रह गया। चलो, वेरी गुड, अल्लाह करे ये चीजें बेहतर हो जाए और हम सिनेमाज में जाके मूवी देखें, हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। एक साल हो गया तकरीबन, एक साल हो गया, बंद हुए करे बस। तो वो सवाल जो मुझे करना है वो ये है कि मेरी स्किन इतनी डल हो गई है ना, मतलब लाइक धूप में सनब्लॉक भी लगाती थी फिर भी, तो उसके लिए मैं फॉरन से क्या एक चीज़। अच्छा, सबसे पहले ना तुम विटामिन सी यूज करना शुरू कर दो। अच्छा, और रात को करो, क्योंकि वो दिन में लगाना बेहतर नहीं होता। और स्टार्ट करो, बिकॉज ये नहीं पता हर एक को मेडिकेटेड जो चीजें होती हैं उसको, देखो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट होता है ना, हाँ। और ट्रीटमेंट होता है, और जो ऑर्गेनिक है वो बेसिकली केयर है। हाँ, तो अगर अपनी स्किन की केयर करनी है तो वो बेसिक्स का लेना, एसएल बेसिक्स का वाइटमिन दो ना। अब तुम आई हो तो कुछ लेकर तो आओ, क्या दिए जो फिर बैग खोलना पड़ेगा। कुछ है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? हाँ, जो मैं दूंगी, क्योंकि मैं लाइट बेस लगाती हूँ तो फिर वो झलकता है उसमें से ना, कहीं से पैची है स्किन, कहीं से कुछ है। दे दे मुझे ये, बल्कि एसएल बेसिक्स की ही मैंने एक, ये लो। हाँ, ये ऑरेंज रेडियंस है, इसमें भी विटामिन सी है। और जो बेसिक्स का सीरम है, हाँ, अगर वो मुझे गानिया प्लीज दे दो, सॉरी, ये इसकी ये ना 3 से 4 ड्रॉप्स भी मिला लोगी इसमें। हाँ, और सिर्फ ये फेस पे रात को लगाओ तो वो, हाँ, जो डार्क सर्कल्स और ये पिगमेंटेशन, काले होंठ, आजकल ये लड़कियों की बड़ी कंप्लेंट्स, हाँ, होती हैं। हाँ, काले होंठ, नेक पे लाइंस आ रही हैं और वो भी डार्क आ रही हैं। हाँ, क्योंकि तो वो उसमें बहुत फायदा हो जाएगा देखना। हाँ, तुम्हें फायदा लगेगा। थैंक यू यार, ये फायदा हो गया ना जरा मुझे, वरना ये अभी फौरन निकलने वाली है शो के बाद ही, क्योंकि तुम्हारी क्लिनिक पे वो है, क्लिनिक पे 12 बजे पेशेंट्स। अब होगा ये कि शाइस्ता और उनके अब्बा आमने सामने, और मैं और मेरे अब्बा आमने सामने, और हम जो है वो सवाल हमारा कोई और बंदा करेगा, होस्ट कोई और बन जाएगा, वो जिसकी आवाज आएगी। अच्छा, करना ये कि वो सवाल ये करेगा, 5 सेकंड के अंदर अंदर हमने उस सवाल का जवाब देना है, और जवाब देते ही बजर बजा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करके भी दिखा देती हूँ, चल। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमसे पूछा कि मुझसे पूछा कि अब्बू के कोई फेवरेट 3 खाने बताएं। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया दाल चावल शलजम का अचार और गोश्त, और बजा दिया। अच्छा, ठीक। अब पहले बताना है, पहले जवाब देना है, जवाब पहले सवाल करेगा ना, पहले वो सवाल, हाँ, सवाल करेगा, फिर मैं बजा दूंगी उस तरह, फिर उसके बाद अब्बू से भी सवाल करेगा। अच्छा, इस तरह, ठीक है, सही समझ आ गया आप लोगों को? जी जी, समझ गया। अब आप लोगों ने भी बजर बजाना, हाँ, मुश्किल तो आप लोगों के लिए होगा, मुझे बहुत अंदाजा है। यार, किस इम्तिहान में डाल दिया तुमने? आए 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 पापा, कोई आप उधर आएंगे, पापा आप इधर आएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, शायस्ता तुम सामने जी, बिस्मिल्लाह, आइए पापा यहाँ। हाँ जी, सवाल सुन के हमने बजर बजाना या जवाब दे के बजर बजाना? नहीं नहीं, सवाल सुन के बजाना होगा ना। अच्छा, नहीं, सवाल सुन के बजाएंगे, सवाल सुन के बजा, सुन के जवाब दे देंगे। नहीं 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 नहीं, सवाल सुन के फिर आप, पता नहीं मुझे, आप बजाएं या आप बजाएं, सवाल सुन के बजाना होगा आई थिंक। ओके ओके ओके, हां आ जा। पहले हम सवाल पीछे से होगा, शाइस्ता ये तुम्हारे और मेरे लिए है पहले। अच्छा, पहले हमने बजर बजाना है। ओके, ठीक है, और उसके बाद जब जवाब दे देंगे फिर भी बजर बजाएं।
मैं गेस्ट हूँ आज की. जवाब देने के बाद भी बजर बजा. हाँ, ये खुद आजकल चक्कर में है ना, इसको मूवी के ने इतना चक्कर दिया हुआ है कि वो आज मुझे इन्होंने गेस्ट बना दिया है होस्ट से. हाँ, इसलिए इन्होंने मुझसे कंटेंट नहीं शेयर किया कि बेईमानी हो जाती. कल कोई 8 बजे ने बिल्कुल तुम्हारी वो आवाज लग रही थी सोई हुई. हाँ. ओके जी, पहला सवाल आ रहा है, रेडी रहो. ओके ओके ओके. हाँ, क्या? कोई 3 बातें जो आपके अब्बा नहीं मानते. चलो पहले तुम बताओ. ओके, 5 सेकंड के अंदर बजाओ. अच्छा, रोजाना वॉक पे जाना है. हाँ. नहीं मानते. मेरे बच्चों को पैसे नहीं देने, बहकाना नहीं है. हाँ. नहीं मानते. अम्मी को ज्यादा टाइम देना है, नहीं मानते. ये भी बजाना है. ये कह के भी बजर बजाना. अच्छा, कह के भी बजाना. ओके ओके, नेवर नेवर. अच्छा, जवाब देने के बाद बजर. अब मैं बता सकती हूँ. 5 सेकंड मेरे शुरू हो रहे हैं. हाँ. ओके, अब्बू नहीं मानते 5 बात. एक मिनट बड़ा लगा. अब्बू 3 बातें नहीं मानते जो, यही सवाल है ना? हाँ हाँ. ओके, अब मेरा टाइम शुरू होता है. अब अब्बू ज्यादा मेरे घर नहीं आते, एक ये वाली बात ही मानते. अब्बू जो है वो क्या नहीं मानते. अब्बू सब तो मानते हैं. हाँ, मेरी बात है. मैं हार गई भाई. हार गई. 5 सेकंड हो गए. हाँ ओके. अच्छा, अब अब्बुओं से सवाल है. अब अब्बुओं से सवाल है. ठीक है, बजर पे हाथ तो रख ले. हाँ. अच्छा, बजर पहले नहीं बजाना, जब 5 सेकंड जब बता दें आप जवाब, फिर बजाना. ठीक है ठीक है. ओके, अच्छा पहले वो बताएंगे, मैं बताऊंगा. आप बता दें या वो बता दें, कोई भी बता दें. कोई एक आदमी बता दे. चलिए आप बता दें. ठीक है. ओके रेडी. कोई 3 बातें बेटी की जो आपको अच्छी नहीं लगती. अच्छा चले. मेरे पास घर पे ना आना और बच्चों को ज्यादा टाइम ना देना. और 5 सेकंड हो गए. हो गए, बस अब बजा दें आप. दो बातें. चले जी, अब आपकी बारी. हाँ. आपका टाइम शुरू होता है अब. बोले बोले. ये रेस्ट नहीं करती है, वो मैं बार बार से कहता हूँ. हाँ. गोश्त नहीं खाती है तो मुझे भी नहीं खाना पड़ता है. हाँ. और तीसरी? आती नहीं है मेरे यहाँ. 5 सेकंड हो गए. अच्छा, बजर आप बजाएं. शिकायत है, आती नहीं है मेरे यहाँ. हाँ. दोनों को एक ही शिकायत है, आती नहीं है मेरे. हाँ. और रेस्ट नहीं करती. ओके. हाँ. अब बेटियों के लिए सवाल. अब्बा के कहीं ना जाने के 3 बहाने. अब्बा के कहीं ना जाने के 3 बहाने. हाँ. मेरी तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है. नहीं बेटा, मेरा मैदा को मसला हो रहा है, मैं आ नहीं सकूंगा. तुम्हें पता नहीं है, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है. ओके, अब मेरी बारी. 5 सेकंड हो गए. अच्छा, एक तो ये है कि यार मैं नहीं जा रहा शादी में. मैंने वो अरहर की दाल की खिचड़ी बनी थी, वो खा ली. एक. हाँ. फिर दूसरा बहाना कि यार मुझे बुखार फील हो रहा है, मत आना उधर. हाँ. हाँ. मुझे बुखार फील हो रहा है, मुझे कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा अभी, तो ये. हाँ. बहाना. हाँ. और तीसरा बहाना ये है, नहीं वॉक पे जा सकता, मेरी पिंडलियों में दर्द है. हाय, ये दोनों एक जैसे हैं. ओके. हाँ, अब अब्बाओं के लिए सवाल. हाँ, ओके. वो 3 बातें जिस पे आपकी बेटी अपने बच्चों को बहुत डांटती है. अच्छा, अब आप 5 सेकंड की फिक्र ना करें, आप लोग बताएं. हम अपने लिए रख रहे हैं. जिस पर बच्चों को बहुत डांट. हाँ. चले बताएं. एक तो पढ़ाई जब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत डांटती है, इसको बना भी करते हैं. फिर फरीद जो इनका बेटा है वो मोबाइल पे बहुत लगा रहता है. उस पर भी बहुत. ये मुझे इसलिए पता है कि मैं इसके घर भी रहा हूँ कभी जा. जब हम ट्रैवल करने गए थे मोबाइल पे बहुत, तो उस पर डांट पड़ती है इसको बहुत. और तीसरी चीज? तीसरी चीज ये है कि बस वो पढ़ाई में गालिबन. पढ़ाई तो बोल दिया ना. पढ़ाई हो गई. पढ़ाई हो गई. किस पे डांट पड़ती है? मोबाइल फोन यूज. और बच्चों को किस पे डांट पड़ती है? फिर ये कि वो फरीद खेल में ज्यादा लगता है. खेल वो ठीक उस पे डांट पड़ती है. ठीक. ओके, बजर बजाए. यस यस. अब आपकी बारी. बच्चों को डांट पड़ती है. वही क्वेश्चन. बच्चों को सेम है ये. बच्चे अगर ज्यादा देर
बाहर रहती हैं तो डांटती है, बच्चे अगर खाना वक्त पे ना खाएं तो डांटती है, और बच्चे अगर कहना ना माने तो फिर मुझे बुलाया जाता है कि देखो ये नहीं मान रहा। बजर बजाए ना। ओके चले भी साहिस्ता साहिस्ता और मेरा सवाल। हाँ भाई, तीन चीजें जिस पे आपके अब्बा दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं। घर के डेकोरेशन के ऊपर बहुत शौक है हमें, और आई थिंक बच्चों के ऊपर, बच्चों को खाना पिलाना, और वो भी बाहर का, जिस पे मेरी बहुत लड़ाई रहती है, और किताबों पर। अच्छा, अब ब्रदर बजाओ। ओके, अब्बू पैसे खर्च करते हैं किसी की मदद करने में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो हेल्पर्स हमारे घर में और इनकी खिदमत वगैरह के लिए होते हैं उनके लिए, एक। दूसरा, पैसे खर्च करते हैं खाने के ऊपर, यानी कि जब हम रेस्टोरेंट वगैरह जाएं, और तीसरा, सारी ज़िंदगी पैसे खर्च किए हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। हाँ, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट सवाल अब्बाओं से। हाँ, वो तीन जगह जहाँ पे बेटी फजूल खर्च करती है और करनी नहीं चाहिए। वो तीन चीजें खर्चियां बेटी जी, वो तो जगह नहीं, तीन नहीं जगह नहीं, वो तीन चीजें ऐसी, तीन चीजें जिन पे बेटी ज्यादा पैसे खर्च करती है और नहीं करनी, आपको नहीं अच्छा लगता। डेकोरेशन पीसेस, ओके, एक। और मेहमानों को जमा कर लेना हर तीसरे दिन, दो। और मेरे लिए बहुत कीमती चीजें लाना, मैं इन्हें कह देता हूँ कि नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं मुझे, इसके बावजूद ये फराम करती है। बजर बजाए। ये चले जी, तीन बातें ऐसी जहाँ मैं बहुत फजूल खर्ची करती हूँ। नहीं भैया, मैं हार गया। आप हार गए? क्यों नहीं भाई, मुझे अंदाजा नहीं। आप कहते रहे थे कमीजें बहुत बढ़ा। हाँ, बस एक आधी आएगी जो बना लेती है। मुझे डांटते हैं, मैं बच्चों को थोड़ा ज्यादा पैसे दे रही होती हूँ उस पे। अब उस पर बच्चों को ज्यादा खर्च कर देती है जो देने नहीं चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा सा डांटते हैं। और मुलाजिम बहुत बदलती है। बदलती तो नहीं, मेरे पास तो बहुत रहते हैं। लंबे लंबे टाइम तक एक बाला पुरानी काम। हाँ, बदलती तो नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का, कि आज के हमारे VIP गेस्ट आप दोनों थे। ऑब्वियसली शाइस्ता भी है, लेकिन जब नहीं, वो कहते हैं ना कि वो जाहिर है, जो वो गेस्ट हैं वो यहाँ पे जो कुछ हैं आज वो आपकी वजह से हैं, जो मैं हूँ आज यहाँ वो मैं अपने अब्बू की वजह से। अच्छा, मैं आखिर में आपसे एक जरूर जाते जाते क्वेश्चन, ऐसी कौन सी बात, कौन सा जिंदगी का लम्हा ऐसा था जब आपको निदा पे बहुत फख्र आया और आपको लगा कि मैंने तो ऐसी तरबियत भी नहीं की थी और इतनी मुझे ऐसी चीज मिली, अल्लाह का शुक्र बच्ची के अंदर इतनी। जब मुझे किसी ने एक मजमे में ख्वातीन, एक मैं शो में गया था, चीफ गेस्ट था, तो उन्होंने कहा कि निदा को ये बात कहिएगा हमें बहुत अच्छा लगती है वो स्क्रीन के ऊपर। हाँ, आई फील प्राउड। sure. अच्छा जी, यही सवाल मैं जाते जाते आपसे भी कहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा, मतलब लाइक जाहिर है आपको शाइस्ता पे है तो फखर, लेकिन वो सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा था जिस पे आपको सबसे ज्यादा फखर हुआ? मुझे, अब मैं आपको बता ही दूं, शायद इसने नहीं बताया कि मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, और उस पर मुझे बड़ा, इसे भी याद शायद ना हो, इसने एक मस्जिद तामीर कराई थी। माशाल्लाह। तो आप यकीन करें कि मैं कितना खुश था उस दिन। आपकी सोच है, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी जो है वो एक मस्जिद तामीर करा रही है। क्या बात है। और इसने मस्जिद तामीर कराई और बेहतरीन मस्जिद तामीर कराई। ये वाली बातें हम नहीं जानते, ये वाली हमें उससे पता भी नहीं चलने दी ये चीज, नहीं तो लोग होते हैं वो फेसबुक पे डाल देते हैं इस पे। तो माशाल्लाह बेटियां जो हैं बहुत अच्छी होती है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे और हमेशा हंसते बसते रहो। ये वो वालिद हैं जो बेटियों की कदर करते हैं, और जो वालिद ख़ास तौर पे जो ख़ानदान बेटियों की कदर करते हैं तो हमेशा अल्लाह ताला उन बेटियों का नाम रोशन करते हैं। वो कहते हैं ना, सबसे पूछते हैं, जो जिन जिन ख़वातीन से पूछा जाता है कि आपके पीछे
किस का हाथ है, तो मैं तो कहती हूँ उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन के पीछे उनके वालिदैन का, जिसमें उनके फादर्स का हाथ होता है. तो थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत शुक्रिया अली, शुक्रिया बेटा गौर साहब, शुक्रिया एंड काजिम पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका. तो जी ये था आज का शो. उम्मीद है हमारे शो को देखने के बाद आपको सबको अपने अब्बास याद आ गए होंगे. तो जो जिनके पास उनके वालिद हैं उनकी कदर करें, और जो नहीं हैं आज उनकी एल्बम खोल के ज़रा उनकी तस्वीरें देखें, ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए. और माँ बाप चले भी जाते हैं ना, वो आपके अंदर रहते हैं, वो आपके अंदर होते हैं, तो वो आप उनसे दूर हो नहीं सकते. हाँ जाहिर जाहिर है आप एक उसके बाद आप नहीं देख पाते, मगर वो आपके अंदर होते हैं. आपको लग रहा था कि ये मेरी आदत, ओ मैं किस तरह से चम्मच उठाती हूँ, ये तो मेरी अम्मा से मिलती है, मैं बात करती हूँ मेरे अब्बा से मिलती है, तो वो आपके अंदर होते हैं, वो आप होते हैं, आप उनकी एक्सटेंशन होते हैं. एग्जैक्टली, आप जवानी में चिढ़ रहे होते हैं ना उन चीजों से, अम्मी आप तक चीखती क्यों है, वो अब थोड़ी थोड़ी दिन बाद मुझे अपने अंदर मेरी अम्मी नजर आती है, मैं भी अपने बच्चों पे ऐसे कर रही हूं. सेम है, बिल्कुल यही होता. हमारी बातें ख़त्म नहीं होने वाली, टाइम ख़त्म हो गया है, और यहाँ ये कंटिन्यू रहेगी बातें. आप भी अपना दिन कंटिन्यू रखें, और दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे वालिद को, वालिद शाइस्ता के वालिद को, मेरे वालिद को लंबी उम्र दे. सेहत के साथ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.